a home suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Thank you.
pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my mom life, sending a rainbow, playing it cool. I don't thought this in ages, and I've no more patience. So won't you please?
cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger ओके गाइस, कैसे सभी लोग और सभी का स्वागत करते हैं यहाँ पर APL Esports Presents Invitationals Screams एंड आज यहाँ पर डे 6 का एक्शन आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। होपफुली गाइस वॉइस वगैरह मेरी आपको यहाँ पर आ रही होगी एंड साथ साथ बताना चाहूँगा इस माय भाई अभी कुछ देर बाद जुड़ जाएंगे क्योंकि अभी जैसे ही हमारा ये स्ट्रीम बोल रहे कास्टिंग हमारी स्टार्ट होने वाली थी उसी वक्त ही थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन होने वहाँ पर वो फेस करा उन्होंने। तो जैसे ही गाइज वो यहाँ पर आते हैं मैंने डिस्कॉर्ड मतलब अपना जैसे हम बोल सकते हैं डिस्कॉर्ड में मैं लाइव हो रखा हूँ तो जैसे ही वो आएंगे तुरंत ही वो भी यहाँ पर हमारे साथ कास्ट करने जुड़ जाएंगे। तो तब तक मैं आपको यहाँ पर आपका स्टोरी टेलर यहाँ पर रहूँगा एंड बात करते हैं इसकी हम बात करें टीम्स काफ़ी अच्छी है। TSM काफ़ी बोल रहे हैं भाई TSM नहीं है आज। तो गाइज़ जी हाँ TSM नहीं है, माइट भी यहाँ पर कुछ वो अनदर टूर्नामेंट्स वगैरह खेल रही है आज। अगर अवेलेबल होती तो अपकमिंग मैचेस में भी देखने को हमें मिल सकती है बट इसी वजह से हम नहीं चाहते थे कि गाइज़ कुछ आप लोग मिसगाइड हो तो हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में से नाम अभी के लिए उनका हटा रखा है एंड ब्लाइंड के लिए भी डोंट नो आई हो सकता है कुछ इमरजेंसी कुछ रीज़न किसकी वजह से वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाई। अदरवाइज ब्लाइंड भी गाइज हमारे जो डेली जो ये इन्विटेशनल है वो खेलती हुई यहाँ पर नजर आती है। एक बार चलते हैं यहाँ पर टीम्स तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं। एक बार मैं ज़रूर यहाँ पर चलना चाहूँगा एक बार स्लॉट में लैंड कौन से ओके रेड आउल का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। लेट्स सी यहाँ पर रेड आउल कितनी कब तक यहाँ पर जुड़ती है बट उससे पहले मैं एक बार लेकर चलूँगा गाइज अनाउंसमेंट जो हम आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट
रिगार्डिंग अवर APL जूनियर 2। 50,000 का इस प्राइस पूल है, 3,000 स्लॉट्स टोटल। काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि भाई कब स्टार्ट होगा। गाइज अभी आप बस वेट कीजिए, जैसे BGMI लॉन्च हो जाएगा तुरंत ही, मतलब उसके आई गेस हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद ही ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता नजर आएगा। तब तक आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा, रजिस्टर कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी का। इस 11 जून से ऑलरेडी यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लिमिटेड स्लॉट बच रखे हैं। तो मैं नहीं चाहता गाइज आप लोग ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट करें। यहाँ पर चलते हैं एक बार पॉइंट टेबल की तरफ भी। कल का जो हमारा Day 5 एक्शन था, अगर आप देख सकते हैं पुशर एक्स AES काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने मिले। 3 में से 2 विनर विनर अच्छी कंडीडर उनके खाते में यहाँ पर रहे, 51 पॉइंट के साथ टॉप में रहे टीम एलिमेंट। तो वही चीज़ है गाइज, आप बिना अब चिकन डिनर के भी आप टॉप में ऐसे आप आ सकते हैं, टॉप 3 टॉप 2 में आ सकते हैं। और वही चीज़ एलिमेंट ने करके दिखाई है, किल्स निकाले उन्होंने, पोजिशन पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे निकले, बट जो डिफरेंस था शायद वो ऊपर विनर विनर चिकन डिनर का नजर आए। अदरवाइज वो भी काफ़ी करीब थे आप देख सकते हैं, पर खाली 5 पॉइंट का ही डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप देखते हैं पुशर एक्स AES एंड एलिमेंट की इस टीम के बीच में, फ्यूचर स्टेशन भी काफ़ी अच्छा खेली यहाँ पर, 38 पॉइंट का थर्ड पोजीशन में नजर आया। एनिग्मा के खिलाड़ी आपको 4th पोजीशन में, टीम APL का इस 25 पॉइंट का फिफ्थ पोजीशन में, बाकी टीम्स का आप देखते हैं इंडियन टाइगर्स यहाँ पर 21 पॉइंट, और रेड ऑल की बात करें रेड ऑल भी कल यहाँ पर खेली थी, ब्लाइंड के भी खिलाड़ी यहाँ पर खेले, टॉप 10 में तो यहाँ पर ये टीम्स आ रही है। बाकी बात करें ग्लोबल स्पोर्ट्स 18 पॉइंट के साथ 11 पोजीशन, रेविन एंड स्पोर्ट्स की बात करें 15 पॉइंट के साथ के हाथ 12वीं पोजीशन, टीम फिनटॉक्स 14 पॉइंट्स के साथ 13वें पायदान पर है। TSM की टीम कल खेली थी गाइज़ वहाँ पर 10 पॉइंट के साथ 14 पोजीशन, कमिंग सून करके गाइज़ एक लाइनअप आ रखी थी 15th में, 16th पे रेवेंजी स्पोर्ट्स। एंड बात करता हूँ एक और यहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा 16 से ज़्यादा टीमें खेली, तो टीम इनसेन कल अच्छा दिन वहाँ पर नहीं रहा था उनका। ऑरेंज रॉक की बात करें 7 पॉइंट्स, तो आज एक बढ़िया मौका है यहाँ पर टीम के पास एक बेस्ट अपना यहाँ पर आगे देने का उनके दर्शकों के आगे। IYDX TT की हम बात करें 6 पॉइंट्स, तो कल ये जो टीम्स थे गाइज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बट एक नया फ्रेश एक नया स्टार्ट उनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कैसा रहने वाला है हमारा मैच। बट अभी के लिए बताना चाहूँगा स्पॉन आइलैंड में हम आ चुके हैं, यहाँ पर एक टूर्नामेंट रूम कार्ड है। एक बार टीम से भी इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहूँगा, यहाँ पर टीम गॉडल आपके सामने, यहाँ पर टीम ऑरेंज रॉक आ चुकी है, टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स और स्लॉट नंबर 7 के मैं बात करूँ एक बार, मैं लिस्ट भी ओपन कर लेता हूँ साथ साथ। रेविनेंट स्पोर्ट्स है यहाँ पर स्लॉट नंबर 7 में, स्लॉट नंबर आई गेस मेरे ख्याल से यहाँ पर रेड आउल गेमिंग के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए। INS भी गाइज यहाँ पर आ चुके हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा बांग्लादेश की भी एक टीम खेल रही है INES काफी वेल नोन टीम आई गेस मेरे ख्याल से, एक PMPL टीम भी है वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अपने टीम की अपनी कंट्री जो बांग्लादेश है उसमें से एक बोल सकते हैं अपनी तरफ से एक बेस्ट टीम है वो। एक बार मैं देख लेता हूँ गाइस, कुछ भी अगर इशू आ रहा होगा तो आप मुझे ज़रूर बता देना, और लाइक गोल जो हमारा 1K का है वो ज़रूर कंप्लीट करा दीजिएगा। Wycom इज़ नॉट देयर, आई डोंट नो ब्रो Wycom क्यों नहीं है, पुशर एक्स AES क्यों नहीं है, माइट भी हो सकता है अवेलेबल ना हो, या फिर जो पहले इन्विटेशन काफ़ी बाकी टीम्स को चले गया हो। तो एक बार वेट करना गाइस, बाकी मैं एक बार चल लेता हूँ हमारा अभी भी एक टूर्नामेंट रूम कार्ड है, तो थोड़ा सा 38 सेकंड का समय लगता है यहाँ पर स्टार्ट होने में, तो काफ़ी समय है यहाँ पर। बट अगर बात करें क्या लगता है आपको, एक बार ज़रूर मुझे बताना एक प्रेडिक्शन अगर आप करना चाहेंगे कौन सी जगह से हमारा फ्लाइंग पास जा सकता है। मैं शायद मुझे लग रहा है कमिश किसी स्क्वायरी की तरफ ही जा सकता है, तो लेट्स सी कुछ देर का इंतजार है, 20 सेकंड के बाद पता चलेगा कि कहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लाइंग पास जो जोन है वो निकलेगा। एंड बस इंतज़ार करूँगा यहाँ पर, अगर मायावी का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ठीक आ जाता है, मतलब उनका इंटरनेट वापस आ जाता है, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते आपको नजर आएंगे। एंड कुछ भी अगर स्ट्रीम में अगर आपको इशू आता है तो ज़रूर मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा। मैं एक बार करता हूँ इंक्रीज़ आवाज़ को, जी हाँ बिल्कुल आवाज़ कर चुका हूँ, होपफुली आपको आवाज़ भी यहाँ पर क्लियरली आ रही होगी। तो बढ़ते हैं सीधा फ्लाइंग पाथ की तरफ एंड देखते हैं हमारा फ्लाइंग पाथ कहाँ से आता हो। तो प्रिडिक्शन तो मैंने करी थी वैसे कामेश की साइड से, लेकिन जैसे हम बोल सकते हैं इस प्रिडिक्शन हमारा देना काम है, बट जोन एक्चुअल में कहीं और से यहाँ पर निकलता हुआ। और अगर मैं बात करूँ एक्चुअल कहाँ से निकल रहा है, तो शूटिंग रेंज एंड 7E के बिल्कुल बीचों बीच से होता हुआ जा रहा है नोवो रेपनॉय की तरफ। मिल्टा पावर भी काफ़ी पास में ही अगर मुझे नजर आ रहा है, अगर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ ये फ्लाइंग पाथ। एंड टीम्स की अगर मैं बात करूँ उनके लिए काफ़ी अच्छा ये फ्लाइंग पाथ है। एंड अब उनके दिमाग में यही चीज़ है कि क्या जोन, क्या जो फर्स्ट जोन है उनको फेवर करता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं वेस्टर्न शिफ्ट अगर ले लेता है हार्ड शिफ्ट पहला जोन, फिर मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। ब्लाइंड नहीं है ब्रो यहाँ पर, एंड TSM तो अभी नहीं है, बट हाँ अगर हो सकता है कि जिस टूर्नामेंट में वो खेल रही है अभी
आई डोंट नो द टूर्नामेंट, अगर इस टूर्नामेंट से अगर वहाँ से फ्री होकर उनको समय मिलेगा तो ज़रूर आपको मैच नंबर 2 या 3 में आपको TSM भी टीम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस बने रहिए यहाँ पर, एंड बाकी टीम को भी आप सपोर्ट करते रहिए जिस टीम को भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। एंड एक बार चलते हैं यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर आएगा। स्लॉट नंबर 14 की मैं बात करूँ, एक बार लिस्ट मैं थोड़ा सा ओपन करना चाहूँगा यहाँ पर। स्लॉट नंबर 14 की बात करें, एक्स 8-bit के यहाँ पर खिलाड़ी, एंड इसमें अगर मैं बात करूँ अक्षत है आपके सामने, ओमेगा है, सिनिस्टर है, आर सोल डार्क, ये मैं एक नया खिलाड़ी देख रहा हूँ यहाँ पर। शायद कुछ नाम चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं, बट पहला जोन का बस इंतजार है। प्लेयर्स यहाँ पर स्कैटर्ड होते हुए अपनी फेवरेट जो उनका ड्रॉपिंग लोकेशन रहता है, यूजुअल जो ड्रॉपिंग लोकेशन रहता है, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्लॉट नंबर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मीहम PGS मानव, ओके, तो एक यहाँ पर एक लाइनअप मुझे नजर आता, बट अभी के लिए साउथ वेस्टर्न साइड की तरफ, और जो एक हार्डशिप की मैंने बात करी थी वो चीज़ होती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था IGLs ने, लेकिन लेट्स सी क्या रहेगा आगे का डिसीजन टीम्स का। बट अभी के लिए चलते हैं यहाँ पर टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास। न्यासने एप्पल ने आज TSM नहीं है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको भी कि जो एक ड्रॉप क्लैश भी देखने को नहीं मिलेगा और अच्छी खासी लूट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल हम बात करें बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, टॉप फ्रैगर है, ब्लेजी है, फियर्स आपको नजर आते हुए यहाँ से पुलने की तरफ अच्छी खासी लूट हमें देखने को मिल सकती है उनकी तरफ से। एंड बात करें टीम गॉडल की, यहाँ पर मुझे नजर आ रही है स्लॉट नंबर 17 एंड फिनटॉक्स का काफ़ी टाइम से अगर बात की जाए यहाँ पर ये ड्रॉप जो क्लैश क्लैश चलता है, लेकिन एक पोचिंग की काफ़ी बड़ी जगह है, आप कंपाउंड टू कंपाउंड आराम से आपको लूटिंग मिल जाती है और फिर समय मिल जाता है आपको काफ़ी अच्छा। और अगर हम बात करें यहाँ पर गॉडल अलीशा की, वो भी यहाँ पर नजर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कैमला बॉय करते हुए यहाँ पर एक खिलाड़ी को फिनिश ऑफ, मेरे ख्याल से शुरुआत तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो चुकी है, पर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कहाँ पर ये खिलाड़ी को करा गया है। तो स्लॉट नंबर 9 की जो टीम है इंडियन टाइगर्स, ऑलरेडी वो तीन प्लेयर के साथ यहाँ पर खेल रहे थे तो एक खिलाड़ी हो चुके गेम से बाहर, यानी अब दो ही खिलाड़ी यहाँ पर बच रखे हैं। एंड बात की जा रही थी यहाँ पर, ओके, स्लॉट नंबर 25, ओके गाइज यहाँ पर है पुशर एक्स AES मेरे ख्याल से स्लॉट नंबर 25 में, जैसा आप बात कर रहे थे कॉम की टीम नहीं है तो पुशर एक्स AES मेरे ख्याल से स्लॉट लिखा नहीं था, बट मैं अपडेट कर दूंगा इस मैच के बाद, जो भी स्लॉट लिस्ट है मैं अपडेट कर दूंगा आपको। इंडिया क्यों नहीं, IND क्यों नहीं आती आजकल, मेरे ख्याल से अभी शायद कंप्लीट सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो रहे, क्योंकि आप बाकी स्क्रीम्स बाकी इवेंट्स में भी देख रहे होंगे टीम IND कम्प्लीटली वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अदरवाइज वो भी यहाँ पर आपको खेलते नजर आती है। इससे पहले भी जो दो इवेंट्स है उसमें वहाँ पर टीम्स ऑलरेडी खेल चुके, लेकिन इसी बीच यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रॉल की तरफ से एक फाइट हमें देखने को मिल रही है, बट लेट्स सी ये फाइट हो पा रही है एक बार मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। बट अभी के लिए सामने गाइज बांग्लादेश की तरफ से INES इसके ऊपर नजर रहेगी, बांग्लादेश थोड़ा बहुत आई गेस हो सकता है कि पिंग भी इशू यहाँ पर ये फेस करे, बट स्टिल सभी मेरे ख्याल से बराबर करेंगे, क्योंकि अभी का ये जो गेम आप जिस प्लेटफॉर्म में खेल रहे हैं वो है PUBG की यार, BGMI का बस वेट चल रहा है, लेट्स सी जब iOS एंड एंड्रॉयड सभी में अवेलेबल हो जाएगा, एंड्रॉयड में सभी में अवेलेबल हो चुके, बट स्टिल वो एक हम बात करें एक आपको अर्ली एक्सेस है, स्टिल अगर वो जब नया हमें मिलेगा यानी कंप्लीट एक बोल सकते हैं फुल वर्जन हमें मिल जाएगा तब हम बोल सकते हैं गाइस कि जो भी अब अपकमिंग फिर इवेंट्स रहेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से BGMI में यहाँ पर आने वाले हैं। कोई बताएगा कभी गॉड लाइक में कौन कौन खेल रहा है? ब्रो गॉड लाइक में आप यही खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, आप एक बार पॉज करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। सामने स्लॉट नंबर 13 की टीम एनिग्मा गेमिंग के खिलाड़ी आपको नजर आते हुए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इनसेन की लाइनअप आर के नहीं एक बार मैं ज़रूर चेकआउट करना चाहूँगा, क्योंकि टीम इनसेन का भी बिल्कुल अगर बात करें कुछ ड्रॉप इसी तरह का आसपास ही रहता है, जी हाँ जैसे मैं बात कर ही रहा था उनके जस्ट पास में ही है, और एक बढ़िया एक हाइट एडवांटेज भी उनके पास है यहाँ पर कि किल्स निकाल सके, और अभी के लिए गॉब्लिन वही चीज़ करने के लिए जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनसेन क्लॉक गॉब्लिन, लेट्स सी क्या पहला नॉकआउट यहाँ पर निकाल पाएंगे कि नहीं। बट अभी की हम बात करें बाकी टीम्स की अगर चलते हैं सदन साइड की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एपल की टीम भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है सदन साइड की तरफ, एंड अभी के लिए जैसे हम बात कर रहे थे फाइट यहाँ पर हुई है, थोड़ा सा गाइस यहाँ पर मैं मिस जरूर करूंगा लेकिन फायदा मिलता है यहाँ पर एनिग्मा CG को, खेल निकालेंगे गॉब्लिन, देखिए थोड़ा सा रिस्की मूव था उनकी तरफ से, स्काउटिंग कर रहे थे प्लेयर्स को अपने बता रहे थे कहाँ पर खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि एनिग्मा CG इस तरह से उनके सामने आ जाएंगे एंड खेल निकाल देंगे उनका। यहाँ पर इसी बीच मैं देख रहा हूँ नियो एनिग्मा नियो यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ओके, तो शायद मुझे लग रहा है कि एक मिनट मैं चेकआउट करना चाहूँगा, शायद हो सकता है माई भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। सो आवाज़ आ रही माई भी आपको? ओके, तो शायद मेरे ख्याल से आवाज़ तो आई थी, बट ओके मैं एक बार स्क्रीन फुल कर लेता हूँ ताकि उनको सब कुछ वहाँ पर शो करता रहे, और जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएंगे तो अपनी आवाज़ भी गाइज आपको यहाँ पर बता देंगे। इंतज़ार करो गाइज उनके, बस मैं आने का यहाँ पर
बट अभी के लिए चलते हैं यहाँ पर बाकी फाइट्स के ऊपर। टीम ऑरेंज रॉक की बात करें, वाटर सिटी की तरफ उतरना प्रेफरेंस वो दिखाती है हर बार, तो अभी के लिए वहीं पर उतर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इनसेन क्लॉ, यहाँ पर अगर देखें नियो ने करा तो नॉकआउट था, लेकिन अभी के लिए बदले में उनको भी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया, क्लॉ दीप इज़ द लास्ट मैन स्टैंड। एंड अगर यही सिचुएशन रही तो आज भी टीम इनसेन का दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। लेट्स सी क्या रहेगा, क्या एक क्लच हम देख पाएंगे। नहीं करा तो था, एक को नॉक निकाला, लेकिन टीम वर्क है। और अगर ये एक एक करके जाते तो माइट भी यहाँ पर इनसेन, उन इनसेन का जो आखिरी खिलाड़ी है वो भी यहाँ पर उनको दिक्कत में ला सकता था। बट अभी के लिए यहाँ पर तीन के यहाँ पर मिलते हुए टीम नंबर 12 को तो शुरुआत काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो चुकी है। एंड बात करते हैं हम यहाँ पर स्लॉट नंबर 9 इंडियन टाइगर्स की तरफ से, सविटार इज़ द लास्ट मैन स्टैंड। एंड क्या ये भाई, क्या ये डिस्कनेक्शन फेस कर रहे हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं यहाँ पर। और दूसरी ओर चलते हैं यहाँ पर टीम INS। पहला कल की बात करें, शायद एक दिन की पहली बात करें, कल गाइस मैं अवेलेबल नहीं था कास्टिंग, बट उस दिन जब मैं बात कर रहा हूँ, पहला दिन इनका अच्छा नहीं गया था रैंक में, लेकिन व्यू बैक टू बैक जब दो मैचेस उन्होंने खेले थे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने मिलती। बट अभी के लिए यहाँ पर सविटार मेरे ख्याल से, और देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लगा था सविटार वहाँ पर वो डिसकनेक्टेड होंगे, लेकिन किल्स तो यहाँ पर सिक्योर ही करके गए हैं। और यही चीज़ का एक बेनिफिट होता है कि आप अकेले खिलाड़ी हैं तो आपके पास, देखिए आपको पता है आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, अर्ली आप ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स गवा चुके हैं, तो आप किसी को परेशान में डाल सकते हो, और वही चीज़ वहाँ पर करके दिखाई उन्होंने। बट अभी के लिए स्लॉट नंबर 4 की हम बात करें, टीम गॉडल की यहाँ पर हम बात करें, सामने अभी भी फाइट्स में इंतजार करूँ कि कब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अभी भी अगर देखें स्लॉट नंबर 17 वेट करें फिनटॉक्स की पहला इनिशियल पिक कब मिले, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर खाया लेकिन स्टिल अभी भी आपको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर स्लॉट नंबर, एक मिनट मैं नॉर्थ साइड की तरफ चल दूँ, इधर भी कुछ किल्स निकाले गए हैं। बात की जाए स्लॉट नंबर 10 की, स्लॉट नंबर 10 है गाइस रेवेंजी स्पोर्ट्स, एंड शुरुआत काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो चुकी है उनके लिए अगर मैं बात करूँ। और चलते हैं यहाँ पर टीम नंबर 16 यानी टीम IYDX, टीम तमिलास की टीम की बात की जाए उनके सामने। ओके तो यहाँ पर अब माई भाई अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो एक बार आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और गाइयों क्या हाल चाल है, गेमर एक सुमाया विद दिस साइड, थोड़ा सा लेट जरूर से हो गया एक्चुअली, बिल्कुल शुरू करने बैठे ही थे और इंटरनेट इशू आ गया था थोड़ा सा, बट आई थिंक हमने कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं किया, मैं स्ट्रीम देख ही रहा था। और बाकी जो फाइट्स हुई है वो हमारे गेम्स भाई ने जरूर से बहुत बढ़िया से कवर कर दी होगी, बड़ा अतरंगा जोन बन चुका गेम्स भाई, ये तो पूरा सदर एरिया की तरफ चला गया। वाटर बॉडीज भी यहाँ पर आपको मिलेंगी और साथ में मिलेंगे हमारे ये छोटा भीम जो की जोन के बाहर है, अपनी रोटेशन शुरू कर चुके हैं, डेफिनेटली सीधा अपना रास्ता अभी मेकिंग हिज मूव इनसाइड द जोन, कुछ बढ़िया किल्स निकालने होंगे आज, क्योंकि आज मैं देख पा रहा हूं कि TSM भी नहीं है, ब्लाइंड मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सो बाकी टीम्स के लिए कमबैक करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। बिल्कुल, देखिए मैं जनता को ये बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को कि देखिए कभी-कभी हराता है टीम्स का, बट अभी के लिए फाइट्स यहां पर करना चाहूंगा। पुकार ने नॉकआउट जरूर निकालता लेकिन बैक्सी का रिफ्लेक्स माया भी काफी शानदार रहा वहां पर। बिल्कुल वहां पर ये आसान नहीं होता जब आप चलती बगी से उतर रहे हैं और उसके बाद आपको उतरना भी है, उसके बाद आपको एम भी शिफ्ट करना है, अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देना, तो ये साइमल्टेनियसली करना कभी भी इतना आसान नहीं होता। मीनवाइल आपको यहां पर मिलेंगे सौम्यराज, फ्यूचर स्टेशन की ये टीम रहने वाली है जिसमें से एक प्लेयर अपना गवा चुकी है ये टीम। ऑल इन अटैक अगर करना चाहे तो बिल्कुल से कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा मूव रहेगा, दो ही प्लेयर्स नंबर में थे अब यहां पर रीग्रुप कर चुकी है ऑरेंज रॉक की टीम, है ना, और भी ज्यादा मजा यहां पर आने वाला है। बिल्कुल, और जो मैं बात कर रहा था माया देखिए आप व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा, बेशक आपका अपनी फेवरेट टीम को आप मिस जरूर कर रहे हैं और हम भी जरूर गाइज उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी टीम्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं एक तरीके से, आप किसी को भी सपोर्ट करें तो आप एक तरह से इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इंडियन टीम्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं मायावी। बिल्कुल, ऑरेंज रॉक डेस्ट्रो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जोन का शेप देखे तो फाइनली यहाँ पर जो वाटर बॉडीज इनको छोड़ चुके हैं, अब लैंड मास सीजन पर आ गया, डेस्ट्रो का जो डैमेज देने की यू नो इंटेंशन थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक थी, डैमेज वहां पर इन्होंने दिया भी था, बट गमला वो यहाँ पर इस फाइट से डिसएंगेज करते हुए नजर आ रहे हैं, एक लंबा रोटेशन यहाँ पर डालना चाह रहे हैं। रिवेंज स्पोर्ट्स की भी टीम यहाँ पर एक अर्ली फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, देखना यह रहेगा क्या सिनेरियोस यहाँ पर जो है वो निकल कर आ पाते हैं। मीनवाइल अगर UME के फाइनल बॉस की बात की जाए बिल्कुल जोन के कॉर्नर पर है, क्लस्टर्स देखें आप गेम्स यहाँ पर कितने सारे बन चुके हैं। बिल्कुल, एंड रियुक का भी अगर बात करें आप, पुशर एक्स AES का ही लगा इस लाइनअप है, रियुक का भी हमें कंफर्मेशन यहाँ पर आता हुआ, गॉडल की भी यहाँ पर फाइट फाइनली इनिशिएट होती है, हमें लगा था स्टार्टिंग में फाइट हमें देखने को मिलेगी लेकिन थोड़ा समय लगाया, लेकिन अभी के लिए गॉडल भी एक प्लेयर का नुकसान उठाया पर उठाते हुए आए भी। बिल्कुल, हायर ग्राउंड पर आप देखिए वो वाला कितना खतरनाक है नॉकआउट था, आई थिंक जंप करते करते जस्ट पास था, वो कहते हैं ना डी सिंक का जो डैमेज लग जाता है बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर हुआ था। मीनवाइल गॉड आपको यहां पर मिलेंगे, स्मोकी मौजूद रहने वाले हैं, एस पावर यहां पर फॉर दोस हु आर मिसिंग गॉड लाइक इन एपीएल स्क्रिप्ट्स, देयर यू गो एपीएल इज अप योर फ्रंट, एंड ये बहुत ही बढ़िया मौका था स्मोकी के पास 1v2 करने का, अभी भी यहां पर अगर स्मोकी आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से 1v2 होने से स्मोकी को कोई रोक नहीं पाएगा। चैक के अंदर एक बढ़िया ग्रेनेड, आई एम थिंकिंग क्या गेम से एक अच्छी थॉट रहेगी यहां पर, एक बढ़िया कुक ग्रेनेड यहां पर जाए स्मोकी की तरफ से
बढ़िया दो ओपनिंग्स वहां पर निकाली जाए। बट मेरे ख्याल से भी जो फोकस है वो यहाँ पर अलादीन को रिवाइव करने के लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस खिलाड़ी की एंड जैसा बात करते हैं ग्रेनेड की, शायद मुझे लग रहा है कि उनके पास ग्रेनेड नहीं था, अदरवाइज आपको पता है कि जब आपको पता हो कि आपके सामने कंपाउंड में कोई खिलाड़ी मौजूद हो तो आपकी तरफ से एक सबसे पहले यही थिंकिंग आती है ग्रेनेड करके उनको नॉकआउट किया जा सके। अब ये होता है कहीं ना कहीं ये चीज आपके सामने हो जाती है जब या तो दो ऑप्शंस लेफ्ट रहते हैं कि आप तो आप ग्रेनेड कर ले या ऑल इन अटैक कर ले, बट द सिचुएशन वाज मोर क्रिटिकल बिकॉज एस पावर हो चुके हैं, अलादीन वहां पर नॉकआउट थे तो ऑल इन अटैक करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था क्योंकि बाय द चांस अगर स्मोकी नॉक हो जाते फिर चीजें फेवर में नहीं रहने वाली थी। ऑफ गार्ड एंगल पर यहाँ पर गॉड जाएंगे आगे, मेरे ख्याल से डोम रहने वाले हैं और ये अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं पुचिंग के रीजन पर। रात को भी एस पावर के साथ खेलते हैं तो सिनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। क्या बढ़िया जंप शॉट यहाँ पर दिया था ऊपर से अलादीन, सामने से स्मोकी, पीछे से यहाँ पर लेकिन स्टिल अच्छी बात रहेगी तीन किल मिले, लेकिन उसी बीच यहाँ पर टीम 22 की भी फाइट होती हुई नजर आ रही है हमें। सामने मुझे लाइफ क्राफ्ट के खिलाड़ी एंड सामने है टीम रेवेंजी स्पोर्ट्स, बट अभी के लिए इट एकेओपी 1v2 कर चुके हैं। क्या यहाँ पर सुनामी को भी किल आउट करके क्या एक क्लच पूरा किया जा सकता है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल, पहले हील करना जो इनका डिसीजन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अग्रेसिवली सुनामी आगे बढ़ रहे हैं बट इतने में एके ने अपने आप को पूरे तरीके से हील कर लिया। डिपेंड करता है कि प्री पास किसके ऑन पॉइंट जाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया पीक जिगल यहां पर देते हैं बट एके कमिंग अप विद अ 1v3 एंड ये होता है जब आपके पास एक अच्छा हार्ड रॉक कवर हो, सामने वाला प्लेयर बिल्कुल ओपन से आ रहा हो तो कवर का अच्छा यूज आपके लिए कुछ अच्छे क्लचेस लेकर आ सकता है। बिल्कुल, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, अदरवाइज शायद वो कवर नहीं होता मायावी तो 50-50 चांस रहता दोनों की कोई भी यहां पर एलिमिनेट हो सकता था फिर। मेरे ख्याल से वो चीज उन्होंने अच्छे तरीके से भापी परखी और एग्जीक्यूट जिस तरीके से करा वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। वो कहते हैं हमने बीएसटी में 11th क्लास में पढ़ा था ना कि दो चीजें रहती है, आप उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर एके ने उसको अच्छे तरीके से यूज करा। मीनवाइल क्या बढ़िया लीथल वेपन आ चुका है एयर ड्रॉप से, ग्रोज आर द क्लोज रेंज बीस्ट वेपन यहाँ पर आ चुका है। ओमेगा एक बहुत ही बड़ी आईजीएल मेरे हिसाब से इस लॉबी के अंदर मौजूद है जो सबसे पहले जोन के अंदर एक अच्छा सेंटर होल्ड करने की कोशिश में मुझे अभी जोन के जोन की मैं बात करना चाहूंगा, शायद आपने अगर जोन भी देखा अगर जब आप मैच यहाँ पर देख रहे तो ईस्टर्न साइड की तरफ हमारा जोन गया था मोस्टली फेवर करता हुआ, लेकिन ये जो जोन है अगर आप देख रहे फाइनल जो फिनिशिंग टच जिस जो टच आ रहे ना फिनिशिंग जोन के वो पूरी तरह से हार्ड शिफ्ट ही ले रहा है हर बार और जितने जल्दी हो सके आईजीएल्स ऑफ द एनी टीम्स उनको पहुंचना पड़ेगा, बट यहाँ पर थोड़ा संभल के यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं भी यहाँ पर INS भी आ चुके हैं बांग्लादेश के वन ऑफ द टॉप टीम। ओके INS यहाँ पर आ चुकी है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया टीम अभी के लिए जो बांग्लादेश से आती है, लिस्ट मैंने भी पढ़ी थी एंड बहुत ही बढ़िया ये टीम थी, आई वाज एक्साइटेड बट मेरे इंटरनेट ने मुझे स्टार्टिंग से ज्वाइन करना अलाउ नहीं करा। जोन से डैमेज लेकर अभी के लिए ऑरेंज रॉक के गिल डाउन हो चुके हैं, रिवाइवल कितना मुश्किल रहेगा वो भी तब जब आपके पास पीछे से गोड लाइक का प्रेशर आ रहा हो। बिल्कुल, एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स फाइट्स हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर और ये फाइट्स के लिए व्यूअर्स भी काफी इंतजार कर रहे हैं जब टॉप टीम्स की फाइट होती है, बट अभी के लिए मावी मेरे ख्याल से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से देखिए जोन का डैमेज आप खा रहे हैं, प्लेस भी ऑलरेडी जा चुके हैं और क्या लग रहा है गिली गिली चुको क्या रिवाइव, जी नहीं शायद यहाँ पर या तो डिस्कनेक्शन फेस करा या फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नजर आ रहा है जैसे आप बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक आई है गाड़ी वहां पर, शायद वहां पर रिवाइवल दिया जाए अगर वापस से गेम के अंदर पार्टिसिपेशन लेकर जाते हैं, बट ये क्या था, ये आए कहां से, अब्राज समझ में नहीं आया। फिक्शन के बिल्कुल सामने से यहां पर ये टपक गए और कहीं ना कहीं सिनेरियोस यहां पर बहुत ही बढ़िया गए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा इंटरनेट स्टार्टिंग में चला गया था बट अब यहां पर आ चुका है, उन्हीं का फोन आ रखा है एंड मैं फोन उठा के उनको ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि हाँ मेरा इंटरनेट आ चुका है सो लेट मी कास्ट एंड सीरियस यहां पर जेरी WLL आपको यहां पर मिलते हैं। बता दें कि ये क्वेरी का रीजन पे जब जोन चला जाता है ना गेम तो मेरे ख्याल से
एक हायर ग्राउंड का एडवांटेज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ ये ग्रेनेड्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। बिल्कुल, एंड जब आपके वही है, जब आपके पोजीशन में कोई प्लेयर ना हो तो आपको बस अंदाजा हो कि किस कंपाउंड में खिलाड़ी है, तो बस आप ग्रेनेड से भी किल निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे यहाँ पर मुश्किल नजर आती हुई, यहाँ पर अगर आप देखें बियर्ड बाबू भी होते हुए नॉकआउट, एंड ऑरेंज ड्रॉ के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, गिल को ये गवा चुके हैं, वैक्सी यहाँ पर नॉकआउट है, आदित्य की एचपी बहुत ज्यादा कम है, टेस्ट्रो दी ओनली प्लेयर लाइव जो एक तो जोन के अंदर भी है और अच्छा मूव लेके जोन के अंदर जाना चाह रहे हैं, बट मुश्किलें होंगी तब जब आपके पास एडवांटेज नहीं होता नंबर का, नंबर ऑफ कम प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल से सर्वाइव करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। सेम गोज विद गॉडेल, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ अनवॉन्टेड कैजुअलिटीज ले ली, और जब कोचिंग की पर आपका चैलेंज थोड़ा सा लंबा चल जाए और जोन आपसे दूर चला जाए तो कभी भी आप लंबी फाइट्स को यू नो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इवन गॉडलाइक के भी ये प्लान में नहीं, मैंने कई बार देखा कि जोन एकदम सदन पर चला जाए तो गॉडेल फाइट को डिसएंगेज कर देती है पुचिंकी की, बट वीआर1 की टीम के साथ की वो फाइट काफी लंबी चल गई जिसके चलते जोन से डैमेज लेके गॉडेल ने अपने दो प्लेयर्स गवा दिए। बिल्कुल, स्लॉट नंबर 7 यहाँ पर है टीम रेविनेंट ईस्पोर्ट, तीन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा डिसवांटेज में टीम्स रहती है जब वो तीन खिलाड़ियों के साथ खेलती है, एक खिलाड़ी अगर गेम से बाहर हुआ तो वो फिर सर्वाइव करना वो भी स्क्वाड गेम में काफी मुश्किल टास्क रहता है टीम के लिए। जी हाँ, एनिग्मा सीजे ये देखिए चलती गाड़ी से ही हो जाएंगे डाउन, ये कुछ अलग रहता है, ये मेरे ख्याल से किसी भी टीम को पसंद नहीं रहता होगा, बट स्टिल आप अपने अपने प्लान से हटकर कुछ करते तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहता। मीनवाइल हंटर सीजे मैडी वाइटी को कर दिया यहाँ पर डाउन, आरएपी ट्रिगर यू ब्यूटी, व्हाट एन एक्यूरेट स्प्रे दैट वाज। चलती व्हीकल से गाड़ी उतारने का जो मजा रहता है ना वो इस गेम का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, करने में भी और देखने में भी। आई होप जितने भी लोगों ने ये स्प्रे देखा एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट जो रहता है ना वो क्लिक कर जाता है जब आप कुछ ऐसे स्प्रेज विटनेस करते हैं। सर्टन साइड पर आप देखें तो पर पान सिंह आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छी ये लाइनअप मुझे मेरी फेवरेट लाइनअप बनती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये एंड तक ना अपने मैन एडवांटेज बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए पान सिंह नॉकआउट है, आ गए सीधा इंस्टेंट रिवाइवल देने के लिए, स्मोक वगैरह कर देंगे, दो प्लेयर्स लेकर आए, एक रिवाइवल देगा एक स्मोक करेगा और उसके बाद यहां पर अटैक भी करेगा, टिपिकल टीम पान सिंह। बिल्कुल गाइस, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टीम हमें देखने को मिल सकती है, और यहां मैं क्या देख रहा हूं टीम गॉडल यहां पर तो एलिमिनेशन फेस कर रही है वो भी प्लीज उनसे, और बहुत ही रेयर देखने को मिलता है चीजें हमें। मैं भी कोई मैंने उस चीज का सभी को एक्सप्लेनेशन इस चीज का दिया कि वीआर वन के तो शायद फाइटिंग बहुत लंबी चल गई थी, और यूजुअली गॉडल ये करती नहीं है क्योंकि वीआर वन भी अभी नहीं है ड्रॉप पर, आई थिंक 3 या 4 दिन ही होया अभी उनको आते हुए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनकी भी स्ट्रेटजी चेक करने में गॉडलाइक को। अगर लंबी फाइट चलेंगी तो गॉडल भी आई थिंक फाइट को डिसएंगेज करके जोन को प्रायोरिटी करेगी अगर जोन का फेवर उनको नहीं मिला करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अक्षित की तरफ से, काफी जबरदस्त एक हमें ग्रेनेड हमें देखने को मिला है, और शायद वो जो रिजिस का इनको एडवांटेज जो मिला था पत्थरों का एडवांटेज जो मिल रहा था, बट एक और क्या एक और नॉकआउट मिला, जी हाँ ग्रेनेड से एक और निकाला गया, और अब मुश्किल में यहाँ पर टीम माइनस समय नजर आ रही है हमारे भी। क्या बढ़िया प्रो अनशॉट यहाँ पर मैडमैन का, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर ग्रेनेड्स और ग्रेनेड्स अटैक भी अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड भी अच्छा कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। आईएनएस की टीम फ्रॉम बांग्लादेश थोड़ा सा टफ टाइम को यहाँ पर डील कर रही है क्योंकि ग्रेनेड्स आप देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, अभी जस्ट हील कर रहा था इन्होंने, एक और ग्रेनेड आ गया और इनको फिर से डॉट एचपी कर दिया, और एक और ग्रेनेड आया था जो लकी रहे बिल्कुल इस क्रेट के ऊपर ही पड़ा रह गया, नीचे नहीं गिरा, पर यहाँ पर फिनिश ऑफ करने का मौका बन सकता था। मीनवाइल यहाँ पर पान सिंह आप देखेंगे टीपीपी एंगल इनके पास है, पान सिंह ने ट्राई जरूर किया था एक अच्छा प्रोन शॉट, बट देखते देखते यहाँ पर पूरा नॉक एंड फिनिश यहाँ पर डाल दिया, मैनमैन भी हो चुका नॉक, ही इज स्टिल हैविंग अ सर्टेन चांस टू गेट द क्लच डन, हील अप करने का ये मौका इनके पास रहेगा। आईएनएस की टीम का ये जो कमबैक है ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ से रहेगा क्योंकि अक्षर भी वहां पर डॉट एचपी है, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, दी ओनली होप फॉर आईएनएस एंड आई थिंक इंडिया का सर्टेन चांस टू गेट द नाउ, देयर यू गो पान सिंह जो स्टार्टिंग में काफी अच्छा साउंड कर रही थी वो अब यहां पर अपनी प्रॉपर मैन एडवांटेज के साथ बढ़िया 4 किल्स लेकर जाएगी, एंड दिस मार्क्स एन एंड फॉर टीम एलिमेंट्स। तो आप समझ सकते हैं क्यों एक ये एक बेहतरीन टीम है बांग्लादेश की आईवी, और उन्होंने वो चीज साबित करके भी दिखाई है। बिल्कुल टॉप लेवल परफॉर्मेंस इन मिड रेंज में, एपीएल क्रशर एक बार फिर से यहाँ पर स्लैम इन डाला जाएगा, ट्रेड में यहाँ पर इन्हें नॉकआउट मिला, एपीएल के घातक यहाँ पर मिलेंगे एक रिवाइज्ड यूजर नेम के साथ व्हिच इज रियली गुड, आई अप्रिशिएट द फैक्ट। मीनवाइल टॉम तो वहां पर सामने टीवी भी ले रहे, ग्रेनेड आएगा सामने से, घातक ने शायद उस नेट को आते हुए देखा जो कि हमने और आपने भी देखा, बट स्टिल अब हील करने का मौका आया नहीं क्योंकि टॉम तो हम दोनों ही जानते गेम तो कि ये क्लच स्पेशलिस्ट है, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था क्या बढ़िया क्लच इन्होंने निकाला था। ओके सो यहाँ पर मीनवाइल अभी चेकआउट करते हैं, एपीएल के घातक मौजूद रहेंगे, ग्रेनेड बैक टू बैक करते जाएंगे, सामने यहाँ पर टॉप डॉग, ये ग्रेनेड शायद कारगर साबित हो सकता है, टॉप डॉग के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, ऑफ गार्ड एंगल से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेट्स सी इस तरीके से भी फाइट सिग्नल कराती है, एंड मेरे ख्याल से एपीएल के घातक के पास ही रहेगा सबसे अच्छा मौका, बट जस्सी ने वहां पर अपनी ग्रोथा से डाउन कर दिया टॉप डॉग का, आई थिंक 10 मार्क्स नेट पर रेवरेट ईस्पोर्ट्स एज वेल, नंबर ऑफ फाइट्स हैविंग एट द सेम टाइम गाइस, जोन जब क्वेरी के आसपास चला जाता है तो मामला बहुत क्योटिक हो जाता है, मैच बहुत ज्यादा क्योटिक बन जाता है। एपीएल की टीम कल यहाँ पर अभी के लिए
थोड़ा सा टफ टाइम दिया था, बट आज बहुत ही बढ़िया इनको स्टार्ट मिल चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ, दो गर्ल्स के साथ यहाँ पर तैनात है। कमला बॉय मीन वाइल वहां पर मिलेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें तो फियर्स ऑफ ब्लेजी अभी भी सर्वाइव कर रहा है, मिड रेंज में कुछ फेज हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल स्पोर्ट्स के ब्लेजी से। इट्स एक ही को डाउन किया है इंडियन टाइगर्स, या फिर कहना गलत ही रहेगा कि अब इट्स एक एलक्राफ्ट में खेलते हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे क्योंकि प्लेयर एक बहुत ही बड़ी तगड़ी क्षमता के साथ वाले। ब्लेजी स्प्रे किसी और को देना चाह रहे थे और किल निकाल लिया वहां पर ड्रोन गोड का, जो कि गॉडलाइक के साथ खेल रहे थे। अंदेश मार्क्सन एंड फॉर टीम गॉडलाइक एज वेल, स्टार्टिंग से थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई नजर आई क्योंकि जोन का उतना अच्छा एडवांटेज जो है वो उन्हें नहीं भी मिल पाया था, एंड इसके चलते यहां पर आखिरी प्लेयर बचा था जिन्हें ब्लेजी ने यहां पर अभी के लिए फिनिश ऑफ कर दिया। बिल्कुल, कोशिश तो काफी अच्छी है यहाँ पर कर रही है टीम हर, और देखे अभी भी हमारे भी काफी ज्यादा टीम्स अभी भी हमें देखने को मिल रही है, और कुछ टीम ऐसे भी जिनके पास नंबर का एडवांटेज अभी भी है यहाँ पर। बिल्कुल, एंड लेट्स जस्ट सी किस तरीके से फाइट्स निकल कर आ पाती है। मिस्टर सिनिस्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे, मिस्टर स्प्रे वहां पर मौजूद रहने वाले हैं मिड रेंज के अंदर। देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या सिनेरियोस बन पाते हैं। रौनक और गमला बॉय बाकी लेकर जा रहे हैं उनके के अंदर, बट जब आपके पास नंबर एडवांटेज ना हो तो बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है। बिल्कुल, और एपीएल का लाइनअप यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा कॉर्नर होल जरूर कर रहे हैं, अभी के लिए बेनिफिट मिलता है यहाँ पर माई वे अगर आप जोन के साइड में रहे एज में रहे, लेकिन यहाँ पर ये जो गाड़ी पलटाई है थोड़ा सा मेरे ख्याल से ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नजर आ रहे हैं पर हमारे भी। बिल्कुल, ड्रिंक एंड केस यहाँ पर बनेगा इनके ऊपर। दो ही प्लेयर्स बचे हुए, आएगा एक और ग्रेनेड, आई एनएस की टीम एक बार फिर से थोड़े से टफ टाइम में, बट ये लीजिए काम है इनका उस ट्रबल को यू नो अपने ऊपर से हटाना, अपने ऊपर से प्रेशर हटाना। रौनक अकेले प्लेयर बचे हुए, कौन सी गन है गन, बीट क्लोज रेंज बीट मिड रेंज, ये गन आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नाम रहेगा MK14, हम स्मोक्स कर रहे हैं। क्या अगर ये गमला बॉय को रिवाइवल दे देंगे तो एक क्लच मुमकिन है, क्योंकि गमला बॉय बहुत ज्यादा दूर नहीं है इनसे, और स्मोक का एक अच्छा क्लाउड, स्मोक का एक अच्छा पाथ यहाँ पर रौनक ने बना दिया। बट ये लीजिए एपीएल की टीम के जो रैंडम प्रेडिक्टेड फायर्स थे वो ऑन पॉइंट गए और 10 मार्क्स एंड फॉर फ्यूचर स्टेशन एज वेल। बिल्कुल, और फ्यूचर स्टेशन की हम बात कर ही रहे हैं तो हमारे भी अभी तक जितने भी हमने कास्ट करें डे वाइज अगर हम बात करें काफी कंसिस्टेंट लाइनअप हमें देखने को मिले इनका परफॉर्मेंस अगर बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं रहेगा कि कैसे ना वो बिलीव यहाँ पर डाउन कर दिया। फिक्शन यहाँ पर मौजूद रहेंगे बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, आई थिंक बहुत अर्ली फाइट्स हो गई, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो फाइट थी वो निकल कर आती गई बैक टू बैक, और मिस्टर स्प्रे ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा डैमेज व्हीकल के साथ जा रही है, अपने आप में खतरनाक रिस्क है, बट स्टिल रिस्क जितना ज्यादा रहता है उतना ही रिवॉर्ड भी मिलता है। एक अच्छी एंट्री मिल गई उनको अब जोन से, देखते हैं कि ये तब्दील कर पाएंगे नहीं, बट ये लीजिए अब डैमेज देने की बारी आ चुकी है एपीएल ईस्पोर्ट्स की, बट स्टिल उसको भी कर नहीं जा पाएंगे, आखिरी पास ही मारेंगे यहाँ पर आपके टीम ओमेगा के प्लेयर्स। की तरफ चलते हैं, आज हम बात करें कमिंग सून का ये लाइनअप मुझे नजर आता है वापस से आ चुके हैं एपीएल में, एंड नंबर का एडवांटेज अभी भी यहाँ पर 5 किल्स निकाल चुके हैं। स्लॉट नंबर 14 की बात करते हैं, टी नंबर 14 यानी एक्स 8 बिट के खिलाड़ी, एंड इसमें से हम बात करें अभी जैसे हमने देखा तुरंत ही, मतलब मैं जिसको वहां पर जिसको भी दिखा रहा हूँ पीओवी माई वो तो नॉकआउट ही होता नजर आ रहा है अभी तक तो। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज होती हुई नजर आ रही है। मीनवाइल आपको अक्षत मिलने वाले हैं, एपीएल की टीम अभी के लिए बहुत अच्छा कर रही है, सबसे ज्यादा नंबर एडवांटेज सबसे ज्यादा मैन एडवांटेज उन्हीं के पास मुझे जो है वो नजर आ रही है। मीनवाइल फियर्स और ब्लेजी ये डुअल डिस्ट्रक्टिव डोमिनेशन अभी तक अच्छी लग रही है, जैसी ये होल्ड कर पाते हैं नहीं टॉप 4 तक जगह बना सकते हैं, बाकियों की फाइट में कुछ अच्छे थर्ड पार्टी एंगेजमेंट्स मे लीड टू अ चिकन नफ ऑफ देम। बिल्कुल, एंड 4 टीम्स गाइस है बची जिसमें से हम बात करें, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी जो सिंगल बोल सकते हैं हमारे यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, जस्ट हम बात करें कौन कौन सी टीम है वो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स है शायद, तो यहाँ पर अगर आप देखें और साथ साथ ये खिलाड़ी अकेला सर्वाइव कर रहा है स्लॉट नंबर 12 यानी टीम कमिंग सून से। बिल्कुल, स्पॉट भी कर लिया था डैमेज देके वापस से आज से क्या, अच्छा ये टीम का नाम अब कमिंग सून हो चुका है, ओके तो ये बहुत ही बढ़िया नाम इन्होंने रख दिया अभी के लिए, बट उससे पहले ग्रेनेड जो है मुझे लग रहा है वो कमिंग सून होगा, और जानने में भी ग्रेनेड जो है वो कमिंग सून होगा, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कमिंग सून नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट वो अभी के अभी यहीं के यहीं पड़ेगा, बिल्कुल पैरों के नीचे यहाँ पर प्रसाद की तरह रख दिया उस ग्रेनेड को, मतलब पैरों में तो क्या प्रसाद मुझे बोल दिया मैंने ये, बट स्टिल मतलब एकदम से यहाँ पर ग्रेनेड आया, दैट वाज सरप्राइजिंग एनफ, और फिक्शन को यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल, एंड जेसी ओपी के पास है यहाँ पर, बिल्कुल ग्रोजा की ग्रोजा यहाँ पर हमें नजर आ रही है, एंड एक 20 गन जैसे हमारे यहाँ पर बता रहे थे, बट सामने यहाँ पर आईएनएस का भी एक चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी, देखिए सर्वाइव तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी यहाँ पर अभी हो सकता है यहाँ पर ग्लोबल की तरफ से। I still believe कि यहाँ पर ब्लेजी के पास मौका है, because आज इनका दिन मुझे अच्छा लगा, स्प्रेस जो इन्होंने किए थे वो मिड रेंज में बहुत अच्छे लगे थे। आप देखना ये रहेगा कि INES के जो ये प्लेयर हैं इनसे बचकर रह पाते कि नहीं, क्योंकि अगर इनको चिकन चाहिए तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए कि INES की और जो हमारी बची हुई टीम है APL की उनकी आपस में फाइट हो, तब ब्लेजी को फायदा होगा, वरना अगर पहली एंगेजमेंट ब्लेजी की रह गई ग्लोबल स्पोर्ट्स की रह गई तो ऑब्वियसली मुश्किल रहेगी, क्योंकि इनको 1v5 करना पड़ सकता है, ओपन में आ रहे हैं तो स्पॉट आउट हो चुके पोजीशन की अब रिवील है, बट ये अटैकिंग अप्रोच के
साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक नॉकआउट निकालने के बहुत ज्यादा करीब थे। अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर दिया था बट वो इतना डैमेज नहीं था कि आप सामने वाले प्लेयर को नॉकआउट कर दे। मीनवाइल आईएनएस किया सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है, ये बैक टू बैक एक के बाद एक नॉकआउट करते जा रहे हैं। बांग्लादेश से आई हुई टीम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपने बैग में कवर अप करती है, क्या चिकन डिनर भी ऐड कर पाएगी उसी बैग के अंदर? बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल अभी के लिए हो सकता है मायावी, तो वेट जरूर करेंगे। एंड बात करें आईपीएल की, 6 खेल से लोग निकाल चुके हैं, आईएनएस की हम बात करें, 2 खिलाड़ी भी मौजूद है डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं इनके खेल्स अगर हम बात करें तो। 10 किल्स बहुत ज्यादा होती है। एक बार फिर से नॉक करने के बाद रिवाइवल देने की अब कोशिश, मुझे नहीं लगता कि अब रिवाइवल यहां पर दिया जाएगा। घातक यहां पर बहुत ही अच्छा घातक गेम प्ले, एपीएल की टीम यहां पर बहुत ही अग्रेशन के साथ बढ़ती हुई है। आई थिंक ज्यादा चांसेस इनके लग रहे हैं चिकन डिनर की, जो कि ऑन पॉइंट ग्रेनेड भी जा रहा है, देखते हैं ये कितना ज्यादा कनेक्शन बना पाएगा। मेरे ख्याल से कनेक्शन ढूंढने में सक्षम रहेगा, ऑन पॉइंट जा सकता है। 42 वाइंग होता है टॉड एचपी, घातक का ये ग्रेनेड कहीं ना कहीं बहुत ही घातक डैमेज देकर गया और एपीएल की टीम यहाँ पर कमिंग अप विद द चिकन डिनर। बिल्कुल मैं अभी और एपीएल की टीम यहाँ से निकाल के गई है विनर विनर चिकन डिनर लास्ट तक, तो यही चीज़ है, यही आपका एक मेजर फैक्टर रोल अदा करता है कि आप ज़्यादा फाइट इंगेज मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में जब 3 से 4 टीम सब एक दूसरे से फाइट करती होती ना, आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे होल्ड एंगल होल्ड करते हैं, आप अपने ऐसी पोजिशन में रहते हैं, कवर अपने आप को बनाए रखते हैं कि लास्ट तक अपने आप को सर्वाइव करें। वही चीज़ यहाँ पर एपीएल ने करके दिखाई, फाइट होने दी, लोकेशन निकलवाया पर टीम्स की, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर चिकन डिनर। बट मैं आईएनएस की दाद देना चाहूँगा, जिस पोजीशन से उन्होंने अपने आपको टॉप 2 तक लाया है वो काफ़ी काबिल तारीफ वाली बात है। बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं आईएनएस की टीम का भी एफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एपीएल का यहाँ पर मैं कहूँगा जो कंपोजर था वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे कहीं ना कहीं, बिकॉज बैक टू बैक जब आप यू नो अच्छे एरियाज होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे वो मैच आपके आसपास आपके इर्द गिर्द यू नो चिकन डिनर की तरफ का रास्ता आपके सामने सर्व करता जाता है। आईएनएस का एफर्ट अच्छा था, पान सिंह की टीम के साथ का जो रिटेलिएशन था, जो कमबैक था, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्टर था, जिसके चलते ये टॉप 2 तक बढ़िया 10 किल्स के साथ अपनी जगह सिक्योर कर पाए। बिल्कुल, एंड बाकी टीम्स का गाइस मैं जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे स्क्रॉल यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीम को पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ साथ जो रिजल्ट अपलोड होंगे वो नाइट बॉट भी आपको अपलोड वैसे कर ही रहा है कि इंस्टाग्राम में अपडेट हमारा हो जाएगा। और साथ साथ हमारे भी यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हमारे 10,000 फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आप लोग का ऐसी जगह सपोर्ट रहेगा तो और भी यहाँ पर हम ग्रोथ करते रहेंगे। साथ साथ जो डिस्कॉर्ड के जो मेंबर्स है गाइस वो भी 20,000 प्लस क्रॉस हो चुके हैं, तो आपने अभी तक नहीं करा है डिस्कॉर्ड ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वो मैं इसलिए बोल क्योंकि हमारी जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है रिगार्डिंग अवर 50,000 प्राइस पूल, ये इसमें गाइज मौका मिल रहा है तो अंडरडॉग्स के लिए एक बेहतरीन मौका है। 3,000 स्लॉट गाइज अब कुछ ही लिमिटेड स्लॉट बच रखे हैं, एंड माही भाई ने भी यहाँ पर शेयर करा था क्योंकि गाइज हम लोग शेयर करते रहते हैं जो भी कम्युनिटी में जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं रिगार्डिंग कुछ भी है। और साथ साथ अगर कास्टिंग पसंद है तो प्लीज़ जाके हमें फॉलो कीजिएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और फॉलो जरूर कीजिए, एंड साथ साथ यूट्यूब चैनल्स पर गाइज उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए छोटे से ब्रेक के बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद मैच नंबर 2 का एक्शन लेके, क्योंकि हो सकता है अगर देखिए बेशक टीएसएम नहीं थी लेकिन अगर हो सकता है कि जहाँ पर वो खेल रही हो वहां से अगर फ्री होती तो माया भी कुछ भी हो सकता है टीएसएमबी में देखने को मिल जाए। बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते, क्या पता वहां पर अर्ली एलिमिनेट हो जाए और यहाँ पर मैच शुरू होने वाला हो, तो सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है गाइस, वेट करते हैं, यू नेवर नो, आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर भी खेल ले वहां पर भी खेल ले, ऐसा कई बार हुआ है, मैंने 2-3 बार ऐसा सीन भी देखा है कि एक बार टीम आईएनडी के साथ ये चीज हुई थी कि उधर भी खेले वहां पर मिलिट्री में उनको अर्ली फाइट मिल गई, अनफॉर्चुनेटली वहां पर फिनिश अप हो गए थे और यहाँ पर लॉबी बनने वाली थी तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उन्हें एंट्री मिल गई और दोनों ही जगह से वहां पर उन्होंने अपना जो मैच था वो एंजॉय कर दिया। दोनों ही जगह के जो व्यूअर्स थे उन्होंने आईएनडी का यू नो जो मैच था जो गेम प्ले था वो एंजॉय किया। सो गाइस लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मुलाकात होगी मीरा मार के मुकाबले में, बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने एपीएल के तो 10,000 करा दिए, गेम तो भाई के 10,000 और मेरे 20,000 अभी बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से जाओ यार, दिल खोल के सपोर्ट दे दो। आज एक खुशी का दिन लग रहा है, पता नहीं अंदर से बड़ी खुशी सी हो रही है, तो आप जल्दी से जाओ अपनी खुशी को हमारे साथ बांटो, हमारी खुशियां आप भी बांटो, आप भी लो हम भी ले, और साथ में जाके यार फॉलो कर लो, जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम पे, बहुत सी बातें करते हैं। फॉर दोज हु आर आस्किंग कि एपीएल के यू नो डिस्कॉर्ड सर्वर कहां पे है, टूर्नामेंट को रजिस्टर कैसे करना है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्वाइप अप डाल दिया है, अगर लिंक ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधा स्टोरी देखो, स्वाइप अप कर दो और आप पहुंच जाओगे डिस्कॉर्ड पे, वहां जाओ स्लॉट रजिस्टर करो बुक करो और फाइनल्स तो हम दोनों ही कास्ट करने वाले हैं, सबको बहुत मजा आएगा, वेटिंग फॉर ऑल दोस टीम्स जो अपनी जगह फाइनल्स तक बनाएंगी। बिल्कुल, तो गाइस एक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Please.
too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Make it.
cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Okay, तो guys, welcome back again to the APL Esports Invitational Screens. Day 6 है आज और match number 1 तो guys यहाँ पर काफी शानदार रहा रैंगल का. Let's see जो हमारा match number 2 यानी अब होने वाला है कुछ ही देर में मिरामार का, वो कुछ ही देर में स्टार्ट होता नजर आएगा. बट बात करिए टीम्स की, टीम्स भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं. माय भाई भी हमारे साथ कुछ देर में यहाँ पर जुड़ते हैं, आपको साथ में ज़रूर आते हुए नजर आएंगे. एक आई गेस एक इंपॉर्टेंट कॉल में गए हैं, लेकिन जल्द ही आपको साथ में भी यहाँ पर जुड़ते नजर आएंगे. बट बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस टूर्नामेंट में जो हमारा यहाँ पर होने वाला है अपकमिंग APL जूनियर 2, अभी तक आपने यहाँ पर नहीं करा है पार्टिसिपेट, रजिस्टर नहीं करा है, तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है. एंड साथ साथ मुझे माई भाई की भी आवाज़ यहाँ पर आ चुकी है. तो वेलकम बैक माई भाई. एंड मैं बता रहा था अपने दर्शकों की अभी तक इन्होंने जाकर रजिस्टर नहीं करा तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके पास इस APL जूनियर 2 खेलने की. बिल्कुल गाइस, मैंने आपको अभी बताया भी था जाने से पहले कि जो लोगों को ये सवाल रहते हैं कि BGMI के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन करने हैं या कोरियन के करने हैं, डेट कब से है, कब शुरू होगा, टू रजिस्टर, वेयर टू रजिस्टर, सोलो है, स्क्वाड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगी. और डिस्कॉर्ड का लिंक अगर आपको ढूंढना हो तो APL के बायो में मिल जाएगा, APL के चैनल पे स्वाइप अप डाला हुआ मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम के यू नो स्टोरीज पर भी स्वाइप अप डाला हुआ मिल जाएगा. तो देयर इज अ लॉट मोर टू चेक आउट, आप बिल्कुल से जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी. यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 6 लोग स्पेक्टेट में क्या कर रहे हैं. सो जिनमें से 2 तो मेरे हैं, 2 हमारे गेम्सो भाई के हैं और 1 हमारा पॉइंट टेबल मेकर है और 1 APL ई-स्पोर्ट्स के ओनर जो कि रूम मेकर है. yes. तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस? ये छह ही है. और फॉर दोस हु आर आस्किंग कि भाई ये स्ट्रीम स्नाइप है, ये वो है, सो गाइस एडिट डिले ना कम से कम 3-3.5 मिनट से ऊपर का स्ट्रीम डिले है. अब इसके आगे भी कुछ अलग थॉट आती है तो यार आई डोंट थिंक कि हम उससे ज्यादा कुछ सर्व कर पाएंगे. बाकी इट्स अप टू यू. मेरे हिसाब से ये देखो यहाँ पर भी बता दिया सुदर्शन हरी ने भी इस चीज को मेरे बोलने से पहले ब्रीफ आउट कर दिया कि 6 स्पेक्टेट, 2 फॉर कास्टर्स, 2 फॉर पॉइंट टेबल एंड 2 फॉर APL. तो वो गलत नहीं लिखा है, एक्चुअली 2 नहीं है, वो 4 है. 2 गेम्सो बाइक के हैं, 1 एमुलेटर और 1 एलगाटो. 2 मेरे यहाँ बैकअप के लिए, एमुलेटर और एलगाटो, और हमारा 1 रहेगा रूम मेकर का और 1 रहेगा पॉइंट टेबल का. बिल्कुल, तो गाइज हमें भी बैकअप लेके सब कुछ चलना पड़ता है यहाँ पर. बट अभी के लिए बात करते हैं मैप की. अगर हम बात करें क्योंकि देखिए हमारे भाई ये चीज कुछ ही लोग बोलते रहते हैं, अब जो हेट करने वाले थे क्या बोल सकते हैं उनके लिए, हम कुछ नहीं बोल सकते. लेकिन जो हमारे सपोर्ट करने वाले बंदे हैं उनको बस ये बोलना चाहूंगा, हार्ट स्पैम कर दिया करेगा ये चीज जब होती रहती ना, तो एक तरीके से इंडियन कम्युनिटी के को ही ये चीज हार्म पहुंचाती है. तो आप इस चीज को आप दबाइए. एंड अभी के लिए बढ़ते सीधा मैप की तरफ. एंड मैप के फ्लैंक पाथ की हम बात करें, इस मीरामार मैप में काफी अच्छा बना है यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे भी. बिल्कुल बराबर हिस्सों में 2 डिवाइड कर रहा है इस मीरामार के मैप को. एल्पोजो बड़े आराम से आप फ्यूचर स्टेशन की टीम जाए, ऑरेंज रॉक की टीम जाए, दोनों का ये यूजुअल ड्रॉप है. बढ़िया एक ड्रॉप क्लैश होता है, ज्वाइन करती है इनको इनसेन एक्स क्लो की लाइनअप. तो 3-3 टीम्स का क्लस्टर बनेगा एल्पोजो पर. स्टार्टिंग से ही एक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा. गॉडल की टीम अपने ड्रॉप पर बढ़ रही है, शायद इनको कॉन्टेस्ट करने के लिए एक टीम आ रही है. देखते हैं कि वो चैलेंज कितना इफेक्टिव साबित होता है इनके लिए, या फिर वो टीम थोड़ा सा आगे निकल जाएगी फेदर करते हुए. करीब से निकल कर गई थी यहाँ पर PCS की टीम, मेरे ख्याल से गॉडलाइक को ओवरटेक कर जाएगी. उनका ड्रॉप थोड़ा सा और ज्यादा आ गया है. और ये टीम इनसेन एक्स क्लॉ, जैसा कि कहा था एल्पोजो पर 3-3 टीम का क्लस्टर बनेगा. अब देखते हैं क्लस्टर तो बनेगा ठीक है, बट बिल्डिंग क्लैश किस किस की होती है, एक ही बिल्डिंग में 2-2 जगह पर काम कहां पर प्लेयर्स उतरते हैं. बिल्कुल, ऑरेंज डॉग भी यहां पर आ चुके हैं, टीम इनसेन के खिलाड़ी भी आ चुके हैं और आदित्य थोड़ा सा आगे उतर रखे हैं अपनी टीम के. और साथ साथ बात करें गिली गिली इशू यानी ओआर गिल भी उनके साथ रिसेंट में ही अगर हम बात करें ऑफिशियली अब लाइनअप भी डिक्लेयर हो चुकी है. लेकिन अभी के लिए शुरुआत अच्छी नहीं है यहाँ पर, डेस्ट्रो जस्ट बचे हैं अगर हम बात करें मैं यहाँ पर. बिल्कुल, हाथ में इन्होंने वो कुलाड़ी से ली जो कल फेंकी गई थी जोनाथन की तरफ से. और यहाँ पर अभी के लिए AKM और UMP आ चुकी है, सबके पास अच्छे अच्छे वेपन्स मुझे तो लग रहे हैं आ चुके हैं. सिर्फ FS के कुछ प्लेयर्स रहने वाले हैं जो अभी अरीना का पूरे एरिया को लूटेंगे. सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक उठाना चाहेंगे, लीजिए मैनचेस्टर के चलते निकाला गया ये एक नॉकआउट. मेरे ख्याल से रौनक ने नहीं, गिल ने ये निकाला, दोनों के पास ही वो मैनचेस्टर गन है. और एक अच्छा ऑल इन अटैक यहाँ पर प्लान कर दिया. लेवल 1 का हेलमेट था जो कि यहाँ पर गिल ने कवर अप कर लिया. एक स्नाइपर, एक डिया मार, क्लोज रेंज के लिए कुछ खास मिला नहीं है यहाँ पर को बावजूद उसके. ही इज रेडी टू यू नो कवर अप दैट अग्रेसिव नेचर ही इज कैरिंग. देखना ये रहेगा कि क्या निकाल पाएंगे इस अग्रेसिव नेचर से कुछ बढ़िया किल्स अपने खाते. मेरे ख्याल से शायद पहला किल वो निकालने में उनको कामयाब मिल जाएगी. जी हां, देख सकते हैं यहां पर
फाइनली यहाँ पर खेल मिल चुका है. एंड अगर हम बात करें इनसेन का भी लाइनअप बच रखे है, तो एक थर्ड पार्टी भी यहाँ पर अपना वो प्रेजेंस दे सकते हैं यहाँ पर माय व्यू. बिल्कुल, अभी चैट में अब जो वो सीन हमने बोला था कि कितने कितने प्लेयर्स हैं, मतलब अब डिले का अगर आपको मैं चेक कराना चाहूँ तो यहाँ पर हम फर्जी एनकोर को देख रहे हैं और फ्लाईपाथ आपके सामने अब आया है, जिसमें चैट में एक व्यूअर है वो पूछ रहे हैं कि भैया डिस्कॉर्ड का लिंक कहाँ से मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि दो से तीन जगह पर आपको मिलेगा चैट, इससे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एपीएल का डिस्कॉर्ड, एपीएल के इंस्टा के बायो में भी मिल जाएगा. मैंने इंस्टा अपने ग्राम पे एक स्टोरी डाल रखी है स्वाइप अप की, तो वो भी आप वहां से भी स्वाइप अप करके रजिस्टर कर सकते हो. मीनवाइल पुशर एक्स एएस के मिकेल और सभी तार यहां पर अक्षत को डाउन कर देंगे. ये फाइट कहीं ना कहीं पिकार्डो पर हो रही है और बहुत ही संगीन ये वाली फाइट जरूर से चल रही होगी गेम्स भाई, जो पिकार्डो पर है. साथ ही साथ यहां पर एल क्राफ्ट की शिनचैन की भी फाइट है, बहुत सी फाइट्स उतरते यहां पर चैलेंजेस मीरामार के अंदर, यही खूबसूरती जो है देखते ही बनती है. बढ़िया चार किल्स कवर अप कर चुके हैं यहां पर ये टीम, टीम ओमेगा यहां पर उतरते ही पिकार्डो के रीजन पर डाउन हो जाएगी. ये शायद प्लान में नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था. बिल्कुल, यहां पर अभी तक हमने जितने भी फाइट्स कवर करी है उसमें टीम ओमेगा, जब भी यहां पर हम बात करें एक्स बीट काफी अच्छा अभी तक खेलते नजर आई इस जगह पे, लेकिन आज थोड़ा सा हम बोल सकते हैं बैकफुट में नजर आई और एक अर्ली फिनिश उनका देखने को मिलता है. लेकिन बट बात करें यहाँ पर टीम इनसेन एंड टीम ओआर की, वो फाइट इनिशिएट हो चुकी है फाइनली यहाँ पर मायावी. बिल्कुल, इनसेन एक्स रणदीप यहाँ पर अभी के लिए दिवावल ले लेंगे. सामने कौन आएगा? ऑरेंज रॉक की टीम आएगी. थर्ड पार्टी कौन करेगा? फ्यूचर स्टेशन की टीम, क्योंकि उनके नाम में फ्यूचर है तो वो आगे का सोच के चलते हैं. थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वो करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. मीनवाइल अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर फ्यूचर स्टेशन पुकार, कमला बॉय लूज कर दिया उन्होंने, बट स्टिल आई बिलीव की ये तीन प्लेयर्स के साथ काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं और रिटेलिएट कर सकते हैं, स्टिल बैक दिस पर्टिकुलर टीम. बिल्कुल, और बात करें यहाँ पर टीम नंबर 22 की लाइफ क्राफ्ट, शुरुआत मायविन की काफी अच्छी हो चुकी है. एंड सामने हम बात करें शॉट नंबर 17 फिनटॉक्स, पिछला गेम भी अच्छा नहीं गया था और इस गेम में भी शुरुआत अच्छी नहीं गई यहाँ पर मायवी अगर हम बात करें. बिल्कुल, पंजाबी च मैनू एक बंदा गाल काट रहा है कि मायावी भाई तुहाडी कास्टिंग बहुत वधिया हैगी. ओके भाई सरदार रशपाल सिंह, चंगा लग गया भाई तुसी चैट ते हो, संभाल लियो जरा, सामभ लियो चैट नू, जिहड़े हेटर हुटर हैगे ने उहनू जरा सामभ लियो, एक आधी गाल गूल भी काट दियो, कोई चक्कर नहीं, देख लांगे आपां. मीनवाइल आपां जिहड़ा ये यूएमई का फाइनल बॉस है, इनके पास एक बहुत ही बढ़िया वेपन आ चुका है M416, सभी की फेवरेट गन रहती है, रिवेंज ईस्पोर्ट्स है, नाम में रिवेंज है, मतलब बदला लेना है यहां पर. किससे लेंगे बदला? ये पान सिंह की टीम से. चलो आइए लेकर आते हैं. वैसे भी टीम MYM तो लॉस लेनर्स के रीजन पर है नहीं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट टीम है, आसान तो रहता नहीं है उस टीम को इस पर्टिकुलर ड्रॉप पर डिपेंड करना, बट स्टिल रिवेंज और यहां पर पान सिंह की फाइट मेरे ख्याल से बाद में होगी. और बहुत सारी जगह पर बन चुके गेम्स अभी तक के लिए. यस, एंड इस गेम में बात करें कुछ टीम्स हैं यहां पर, अगर हम बात करें लाइफ फ्रॉड की स्पेशली, तीन किल्स और निकाल चुके और ये एक आयरन साइट नॉकआउट निकाले यहां पर मायावी. हाँ नहीं था, मुश्किल था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये चीज मुमकिन हो पाएगी, बट स्टिल उन्होंने ट्राई किया. DMR एक्शन मिनी 14 को आयरन साइड पर यूज करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा आसान चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने ये चीज होते हुए देखी, वो फ्लो में देखी, बहुत ही मजेदार वो सिनेरियो हमें देखने को मिला. मीनवाइल द टीम हु गॉट द चिकन और दे वर इन द सेकंड इन द प्रीवियस मैच, बट स्टिल यहां पर काबिले तारीफ इनका परफॉर्मेंस था पिछले मैच में. INS की लाइनअप अपना पहला प्लेयर लूज कर चुके हैं, मेरे ख्याल से दूसरा जल्द ही लूज करने वाली है. ये लीजिए यहां पर एक और प्लेयर नॉकआउट हो जाएंगे, नाम रहेगा रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के ऑस्टिन नेक्स्ट, और ये भी आयरन साइड. मतलब ये हो क्या रहा है? कभी मिनी 14 कभी UMP, सारे आयरन साइड आज कमाल कर रहे हैं और साथ में फिस्टबाजी भी यहां पर होगी आज. थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट अभी के लिए हम बात करें मायावी INS के जो आखिरी खिलाड़ी बच रखे हैं, काफी दूरी पर है, क्लच को देखो बचाया जा सकता है, उनके पास रिजेस का एक एडवांटेज है, शायद मेरे ख्याल से बचाया में कामयाबी उनको मिल जाएगी कहीं हद तक. मुश्किल लग रहा है, जब तक ये जाएंगे तब तक के लिए रेवेनेंट के ऑस्टिन एक्स भी मेरे ख्याल से आगे चले जाएंगे ऑलरेडी टैकले. मीनवाइल यहां पर निंजा ने एक बढ़िया सा ग्रेनेड जो है वो कुक किया हुआ है, जो कि शायद अभी तक के लिए किसी को डैमेज देकर नहीं जाने वाला, बट 1v2 के फाइटर वाले सामने से एक ही आपको मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट है दोनों साइड से डैमेज मिलने वाला है. मुश्किल रहेगा ये सिनेरियो बहुत ज्यादा निंजा के लिए, अगर दोनों प्लेयर्स एक साथ ऑलरेडी अटैक करें, एक विदाउट यूजी और सामने उनके पास है UMP, तो ये कहीं ना कहीं 1v2 तो है, साथ में SMG वर्सेस SMG का ये मुकाबला. ओके, सो ही गॉट द क्लोजेस्ट बीस्ट, AK इन हिज हैंड, AK राइट हैंड साइड से आएंगे. मेरे ख्याल से एक एक करके अगर आ गए ना AK, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप अगर साथ में आए तो आप एम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अगर डिफरेंट एंगल से आए तो मुश्किल हो सकती है. बट निंजा मीनवाइल चाहते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, आप मुझे चेस करो, और ये लीजिए फ्री फायर का डैमेज बहुत ज्यादा लग गया, एंड मयंक दे देंगे इन्फॉर्मेशन AK को कि तुम जाके ऑल इन अटैक कर सकते हो. ये लीजिए पीछे से AK, सामने से मयंक और निंजा हो जाएंगे अपने घुटनों नजर आ रहे हैं. पुशर एक्स AES के लिए माइकल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको भी नॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं. AKOP मैं बताना चाहेंगे, इससे पहले भी उन्होंने एक आयरन साइट से खेल निकाला था और एक और नॉकआउट निकालते हैं और कंफर्मेशन भी कुछ ही देर में हमें देखने को मिल जाएगा. और ट्रेड की बात करें, एक HP सर्वाइव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी अटैक, शायद जी नहीं थर्ड पार्टी नहीं, यहां पर उनके प्लेयर काफी स्कैटर्ड है और फ्लैंकिंग का फायदा मिलता है यहां पर स्लॉट नंबर 22 को लाइफ क्राफ्ट के.
बिल्कुल, ये लाइफ क्राफ्ट की टीम रियो मयंक इट से के शिनचैन वापस से एक बार एके रीजॉइन करेंगे अपनी पुरानी टीम को। थोड़ा सा रेगुलरली हमने इंडियन टाइगर से खेलते हुए देखा था, बट सिनेरियो चेंज हो गया ना गेम्स में। हमने सोचा था कि यहाँ पर ऑरेंज रॉक की और क्लॉ की फाइट होगी और एफएस की टीम जो है वो थर्ड पार्टी करेगी, बट यहाँ पर क्लस्टर बन गया। लग रहा है कि तीनों टीम यहाँ पर चाहती है कि हम जल्दी जल्दी फाइट्स ले लें और हमें जल्दी जल्दी किल्स मिल जाए। बिल्कुल, एंड चलते हैं बाकी टीम्स की तरफ भी देखते हैं, बट रणदीप को बचाना, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें रणदीप को बचाना, थोड़ा सा प्रायोरिटी भी नजर आ रही है। एंड अगर कोई ग्रेनेड वगैरह भी अगर इस्तेमाल करती है टीम ऑरेंज रॉक, शायद यहाँ पर इजी किल्स मिल सकते हैं उनको यहाँ पर। बिल्कुल, वैक्सी यहाँ पर ऑल इन अटैक करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से अपना एक प्लेयर जो इन्होंने गवाया है, एक प्लेयर जो गमला बॉय ने गवाया है, कहीं ना कहीं सभी की इक्वेशन बराबर हो चुकी है। 4v4 सब, ये सबकी फाइट 3v3 पर आ चुकी है। और ये कितना बढ़िया स्मार्ट मूव है इस ग्रेनेड को करने का, जिसमें मुझे थोड़ा सा डैमेज तो आता हुआ दिखा है। अब एक और ग्रेनेड जा रहा है और अगर यहाँ से ओपनिंग निकल गई और जो निकल भी सकती है मेरे ख्याल से निकलने वाली है। क्लॉक इन, न्यू माइंड गेट डाउन, Vaxing your beauty, what an amazing grenade that was! It was impossible to sense that कि नीचे से कोई इस तरीके का grenade भी कर सकता है। And plan देखिए आप, नीचे से Vaxing ऊपर आ जाते हैं all in attack के लिए। I think एक और floor ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो rivals हैं वो एक floor ऊपर है, तब तक इन्होंने दीपावल मिल जाएगा। But ये तीन player जिस तरीके से slam in डाल रहे हैं ना, लग रहा है कि क्या अलग level का you know aggression carry कर रहे हैं। But अब देखिए, अब आएगा असली competition जो clock के दी रखने वाले हैं। बढ़िया टीपी पे एंगल, हाथ में क्लोज रेंज बीस्ट वेपन एकेएम, आ जाओ जिनको ऊपर आने आ जाओ, स्मोक कर लो कुछ भी कर लो, बट ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है। ये लीजिए वैक्सी, थोड़े बस अच्छे कर रहे थे बट ये कुछ ज्यादा अच्छा हो गया। मॉली करना चाहता अपने ऊपर कर दिया और थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई। मेरे ख्याल से पहले रिवाइवल दे आराम से, उसके बाद ही ऊपर जाने का एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। बट मेरे ख्याल से यहां पर माय भी उन्हें किल फीट पड़ी है टीम ने और शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और वैक्सी का वो खुद पे मॉली से नॉकआउट करना गलत साबित हो, और ये काफी अच्छा स्मार्ट मूव टीम इंसेन की तरफ से। बट इस चीज का फायदा शायद टीम फ्यूचर चेन उठा सकते हैं और वही चीज का फायदा उठाने जा भी रहे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर किल फीट में देखा कि 2 से 3 खिलाड़ी नॉकआउट हुए यहाँ पर टीम इंसेन के। ये तो पहले ही बोला था मैंने कि ये फ्यूचर स्टेशन है, ये फ्यूचर का सोचते हुए चलेगी और ये थर्ड पार्टी करेगी और वही चीज हो रही है। बट जो किल फीड रीड करी ना इंसेन की टीम ने, वो भी बहुत बढ़िया थी यार, काबिले तारीफ थी। वैक्सी ने अपने ऊपर मॉली करी, वैक्सी अपने आप को वहां पर नॉकआउट कर चले गए। सो कहीं ना कहीं वही से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नाउ इट्स द टाइम, जब आप स्लैम इन डालो वहां पर नंबर एडवांटेज कम हो चुके हैं। उनको ये भी पता था कि गिल अर्ली इन द मैच फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो दो ही प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करना था। 4v2 की फाइट थी जो इंसेन ने अपने नाम कर ली। यहां पर अगर हम देखें तो वॉकआउट मिलेगी आपको एलिमेंट्स की टीम, और एक प्लेयर अपना ये भी गवा चुके हैं, आउट नंबर नजर आ रहे हैं मुझे तो एलिमेंट के प्लेयर्स। बिल्कुल, काफी लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ी सी फाइट जरूर थी, अगर बोल सकते हैं मीडियम डिस्टेंस से फाइट थी अभी के लिए, कंपाउंड टू कंपाउंड थी, लेकिन स्टिल प्लेयर यहाँ पर गवाना थोड़ा सा आपके लिए काफी अच्छा अचीवमेंट साबित होता है, क्योंकि हमें पता है भाई अगर आप किसी कंपाउंड के अंदर खिलाड़ी को नॉकआउट करे हो इंस्टेंटली, अगर आप फिनिश ऑफ कर दे बहुत सही रहता है आपके लिए, क्योंकि इतना मुश्किल रहता है कि नॉकआउट के बाद उस खिलाड़ी को इंस्टेंट किल के निकाले आप। ये फ्लाईपाथ बड़ा नीचे से गया, बहुत ज्यादा करीब से गया, या फिर लॉस लिनर्स की बिल्डिंग कुछ ज्यादा ऊंची ऊंची है, लग रहा था कि क्रैश क्रूज ना हो जाए। बट स्टिल क्लॉक के प्लेयर्स, अब यहाँ पर बारी आएगी फ्यूचर स्टेशन को भी, यहाँ पर टफ टाइम दे रही है, बैक टू बैक किल्स निकालते जा रहे हैं। पुकार आई थिंक वहां पर अकेले बच चुके हैं, अब नंबर एडवांटेज फ्यूचर स्टेशन की भी हो चुकी है खत्म। हाथ में ग्रेनेड, जमीन पर मॉली और बन गए यहाँ पर क्रिएट स्पार्क्स एंड फॉर फ्यूचर स्टेशन। एल्फोजो पे तो 3 टीम्स का क्लस्टर था, वो पूरा का पूरा हो गया इंसेन के नाम। 5 किल्स यहाँ पर निकाल चुके हैं, और वो जो आखिरी खिलाड़ी मेरे ख्याल से कहीं मॉलिटॉप जो था गलत साबित होता है, यानी एक और खिलाड़ी ऐसे अपने ही मॉलिटॉप से नॉक एंड फिनिश ऑफ होता नजर आया यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर अभी के लिए देखा जाए तो मैच बहुत ज्यादा इंटेंस बन चुका है। आप देखिए सिर्फ 10 मिनट्स हुए और कितने सारी यहाँ पर हम फाइट्स ऑलरेडी फिटनेस कर चुके हैं। एंड मैच के लिए तो एंड गेम के लिए तो मुझे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। एक और टीम की यहाँ पर फाइट रहेगी मेरे ख्याल से, आपको अब यहाँ पर एनिग्मा की लाइनअप मिलने वाली है, साथ में INS की लाइनअप, दोनों ही जगह से ग्रेनेड्स का आदान प्रदान, बढ़िया ओपनिंग ढूंढ रहे हैं। और बिलीव मी, मुझे लग रहा है कि ये बिलीव का जो ग्रेनेड है ये ओपनिंग निकाल लेगा। 3-2-1 बूम, हवा में ये फटेगा, पायलट नेट था, इधर से मॉली जाएगी, आप देखते हैं ये मॉली कनेक्शन ढूंढ पाएगी या नहीं, फिर इधर से ग्रेनेड जाएगा, नंबर ऑफ थ्रोवर्स का यहां पर इस्तेमाल, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्शंस किसी के नहीं बन पाए। मीनवाइल फॉलोअर्स की बात करें तो ये पाकवाले एक बंदी टू करके चले जाएंगे, डोम गॉड, INS के ओरायन, डेथ लॉर्ड, ये बहुत ही बढ़िया लाइनअप अब निकल कर आ गई है। बचेंगे वहां पर सिर्फ बिलीव, और शायद उन्हें भी अब यहां पर नहीं छोड़ा गया है, वो भी फिनिश अप हो चुके हैं, और 4 बेहतरीन किल्स टीम INS के नाम। बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ पर करी, देखिए मैं भी ऐसा नहीं था कि एक ही साइड से फाइट हो रही थी, थोड़ा सा मल्टीपल एंगल फाइट्स हुई थी, लेकिन स्टिल उनकी जो साथी खिलाड़ी वो तैयार थे। लेकिन यहाँ पर अबरार ने जो एक धमाका, एक आवाज जो आई है गाइस उस ब्रह्मास्त्र वेपन की, यानी इस ओम की, पान सिंह शायद उस चीज को देख नहीं पाए, और अभी के लिए देख सकते हैं उनका लेवल 3 का हेलमेट भी गायब हो चुका है। मैं भी
बिल्कुल अभी के लिए यहाँ पर पान सिंह की टीम मेरे ख्याल से जो अपना ड्रॉप डिफेंड करने की थॉट में थी, लंबा चल सकता है इनका ये वाला क्लैश ना गेम जो, क्योंकि जोन का एक अच्छा एडवांटेज इनके पास है और ये बहुत कॉमन चीज है, हर बार आपको मिलेगा कि ये जोन सर्कल जो है वो सदर्न एरिया पर ही जाता है। मीनवाइल गॉडलाइक की फाइट हो टीम तमिलास के साथ और हम यहाँ पर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट पीछे से थर्ड पार्टी हो ये कुछ नया है एंड स्मोकी को यहाँ पर थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। इंडियन टाइगर्स यहाँ पर आई थिंक वेट कर रही थी सही टाइम का कब इनकी फाइट हो और कब हम यहाँ पर मिड रेंज में एकदम से 3-2-1 करके डैमेज देंगे। बढ़िया एक मैं कहूंगा थॉट थी सारंग यहाँ पर अभी के लिए कुछ अच्छी आइजलिंग भी करते हैं, मैंने सुना है कि जब प्रिंस नहीं होते स्प्ले गॉड नहीं होते तो अच्छे कॉल्स अवितार भी कई बार देते हैं। गॉड लाइक के लिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि दो अर्ली प्लेयर्स अपने गवा चुके हैं बट भाई भी इतना मेहनत करी थी नॉकआउट्स निकालते लेकिन ओपन में फाइट लेने का खामियाजा यही होता है गाइस, बहुत सोच समझ के आपको फाइट लेनी पड़ती है। आपके लिए इजी था जरूर टास्क, उनके लिए इजी था कि उन्होंने सामने खिलाड़ी को नॉकआउट निकाला और निकाला भी लेकिन शायद वो ये भूल चुके थे मायावी की पीछे से कवर तो बिल्कुल भी नहीं है उनके पास यहाँ पर, बट अभी के लिए स्मोकी क्या बचा पाएंगे? जी हाँ बचाए उन्होंने लेकिन अपने साथी को बचाने में उनको कामयाबी यहाँ पर नहीं मिलेगी एंड गॉडल की तरफ से। और यही चीज है अनिश्चितताओं का ही खेल एक तरीके से अनसर्टेनिटी, जहां पर अभी हम 2 मिनट पहले देख रहे थे टीम गॉडल चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे मायावी, अब आपके सामने स्क्रीन आप देख सकते हैं एक अकेला खिलाड़ी बस स्मोकी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और उनके ऊपर भी अभी प्रेशर है पीछे से इंडियन टाइगर्स के प्लेयर्स उनको अच्छे तरीके से ढूंढेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर वॉइस ग्लिच हुआ है हो, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर फिर से नेट का ऊपर इशू तो नहीं आया होगा, अगर मैं भी अगर सुन रहे तो आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। ओके तो गाइज मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेट इशू फिर से यहाँ पर हम उन्होंने फेस करा है तो जल्दी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे एंड मैं बढ़ता हूँ बाकी टीम्स के पास टीम एलिमेंट के पास और आप देख सकते हैं ऑलरेडी एफएनसी द ड्यूड हुई थी गेम से बाहर, अभी के लिए थोड़ा सर्वाइवल गेम चल रहा है यहाँ पर एंड बात करें यहाँ पर टीम एपीएल की पिछले गेम गाइज यहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे, अभी के लिए देखिए थोड़ा स्लो पेस स्टार्ट जरूर है लेकिन अंदाजा जरूर है कि कहाँ पर प्लेयर्स मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उनको उतरते हुए देख लिया था, वहाँ पर उन्हें रोटेशन करते देख लिया था, थोड़ा अपनी लोकेशन बिल्कुल भी यहाँ पर रिवील आउट नहीं कराना चाहिए। और अभी के लिए सामने टीम वॉकआउट्स के खिलाड़ी यानी स्लॉट नंबर 15 में आपको टीम वॉकआउट्स एंड ओके फाइनली यहां पर माय भाई भी जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा गाइस एक माइट बी एक ग्लिच शायद हमने फेस करा था डिस्कॉर्ड में लेकिन माय भाई अगर बताना चाहेंगे जैसा हम बात कर रहे थे कि फाइट्स इस बार हमने काफी एक्सपीरियंस कर ली और जोन काफी बढ़ा है प्लेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, अब प्लेयर्स कम होंगे क्योंकि अर्ली इन द मैच में इतनी सारी फाइट्स मिल गई, पूरा पावर पैक है जो फर्स्ट और दो सर्कल का एक्शन था वो हमारे सामने सर्व किया गया, अब आई थिंक एंड गेम के लिए अगर कुछ बचा कर रखना तो ये मिड मैच में जो जितने भी सर्कल्स आने वाले हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये थोड़ा सा शांत भरे रहेंगे, उस शांत भरे मैच के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी जो फाइट्स बची है उन सबको कवर अप करना चाहेंगे। मीनवाइल स्मोकी जो आखिरी प्लेयर बचे थे वो भी यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिए गए हैं एंड चैट सेक्शन में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं, इनसेन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, प्लेयर्स कैन बी यूज्ड, मैंने अभी तक किसी को यूज करते हुए देखा नहीं है, गेम्स ऑफ वाइज चीज को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर पाएंगे, गेम्स ऑफ वाइज व्हाट यू कॉल क्या प्लेयर अलाउड है हमारे प्लेयर्स को? माइट भी शायद नहीं है, शायद अगर होता तो माय भी अभी तक तो हमें काफी प्लेयर्स गन्स देखने को मिल जाती बट मुझे लग रहा है शायद अलाउड है बट हो सकता है अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ अलाउड होगा क्योंकि जब पार्ट ऑफ गेम है तो इसका तो आप यूज कर ही सकते हैं वैसे। I think ID password के ऊपर कई बार लिखा होता है, एक बार मैं information यहाँ पर चेक, player not allowed, it's clearly written, player not allowed, अब इस match में अगर किसी ने player वगैरह मंगाई है तो फिर उनके points वगैरह हम deduct कर देंगे, पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि अभी तक किसी ने कोई player वगैरह मंगाई है, MK हमें दिखे तो वो airdrop में से मिली थी, Madman meanwhile यहाँ पर APL की टीम के बहुत ज्यादा करीब में आ चुके हैं और ये एरियाज बहुत अच्छे होल्ड करती है APL की टीम, आई थिंक यही इनकी खासियत है जिसके चलते इन्हें पिछले मैच में भी चिकन मिला था, कल भी थ्रू आउट द डे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और आज भी अच्छा साउंड कर रहे हैं, तो सीक्रेट अगर इनके आप का पूछे इनका जो पैटर्न है वो यही है कि सही टाइम पर सही रोटेशन डालते हैं, इनको पता है कि कौन से टाइम पर रोटेशन डालनी है और क्या एक बेटर रीजन रहेगा, कौन सी इनकी टीम की स्ट्रेंथ है जिस पर इन्हें अच्छे तरीके से बात करना है। बिल्कुल एंड गाइज एक और हमने पोल भी रखा था, जब भी आप स्ट्रीम जैसे आप ऑन कर रहे हैं तो एक हमने पोल भी रखा था कि क्या लगता है आपको VGMI आने की क्या तारीख हो सकती है, वैसे हमने तो शायद हमें लगा था 23, 24, 25 आप वोट कर सकते हैं लेकिन एक फोर्थ ऑप्शन भी रखा था मैंने माय भी वो था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ जो हमारे दर्शकों को लग रहा है शायद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो उनकी तरफ से एंटिसिपेशन आ रही है तो अभी लेट्स सी गाइज क्या होता है, हम तो बेसब्री से काफी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, बेसब्री इंतजार तो कर रहे हैं बट मैंने वो पोल पढ़ा था उसमें चारों ऑप्शन गलत थे, चारों ऑप्शन गलत थे उसमें मैं बताऊं तो सीरियसली वहां पर मैं जब सारे पढ़े मैंने पहला सोचा दूसरा सोचा तीसरा चौथा भी गलत था, मुझे लगा चौथा सही हो चौथा भी गलत था बट स्टिल गाइस मैं आपको बता सकता हूँ बट नहीं बताऊंगा, स्टिल यहाँ पर आई इसके डेथ नोट आपको मिलेंगे गाड़ी लेकर आगे जा रहे हैं यार, पीछे से आपको मिलेगी पान सिंह की लाइनअप, मुझे तो अच्छी लगती है यार ये लाइनअप, पिछले मैच में चलो ठीक है वो INS की टीम थी ज्यादा एक्सपीरियंस कवर अप करती है और जो कमबैक उन्होंने दिखाई थी वो बहुत अच्छी थी बट अग्रेशन जो था
ना वो कहीं ना कहीं मजा आता है देखने में। दो टीम्स ऐसी लगती है ना गेम जो भाई देखने में कि आप इनको कहीं भेज दो ये रुकते नहीं है, ये सीधा घुसते और सीधा फाइट लेते हैं। एक इंडियन टाइगर्स की टीम हो गई और एक ये हो गई पान सिंह की टीम, बैक टू बैक फाइट्स लेते हैं जहाँ बंदे वो जैसे क्लासिक होते ना इंटेंशन कि यहाँ बंदे चलो चलो यहाँ मोड़ लो, यहाँ बंदे चलो चलो यहाँ मोड़ लो, कुछ वैसा पैटर्न के साथ ये लोग खेलते हैं और वो देखते में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा फेयरलेस गेम प्ले दिखाएंगे, लेकिन ये फेयरलेस गेम प्ले कभी कभी आपके ऊपर भारी भी पड़ता नजर आ सकते हैं हमारे भी। बिल्कुल, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट कई बार आपकी गेम प्ले इंप्रोवाइज होती है फेयरलेस गेम प्ले के चलते। आप अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ रहती है उसको अपना बेस्ट निकल कर आता है उस चीज के अंदर। आई थिंक ये एक बेटर लाइन रहेगी कि आपका बेस्ट निकल कर आता है जब आप बिल्कुल खुल के खेलते हो, बिल्कुल खौफ और नाक होकर खेलते हो, फेयरलेस जैसे आपने की वर्ड यूज करा था, बिना किसी भय के खेलते हो, तो वहां पर आपका बेस्ट निकल कर आता है और वो इंप्रोवाइज करता है आपकी गेम प्ले को। अब ये देखिए, आप M4 को 6x में चला रहे हैं, सिंगल टैप्स यूज कर रहे हैं, क्या बढ़िया हायर ग्राउंड एडवांटेज है। बट अगर एक चीज जो कंसर्न में आएगी वो रहेगी जोन एडवांटेज, वो अभी रिवेंज के पास नहीं है। एंड जैसे कि मैंने कहा था, पहले दो सर्कल में इतनी सारी फाइट मिल गई कि आखिरी के एडी गेम अगर देखनी है तो ये सर्कल्स में थोड़ी सी शांति मिलेगी हमको। बिल्कुल, बट अभी के लिए हम बात करें टीम APL और टीम नंबर 20 यानी एलिमेंट की भी फाइट हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर एडवांटेज अभी भी अगर हम बात करें टीम APL के पास है, हाइट एडवांटेज भी उनके पास में है, तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर फैक्टर्स रहते हैं ना हमारे कि आपके पास आपकी टीम की विक्ट्री वहां पर हो सकती है, मतलब आप बैटल में जीत सकते हैं, तो एक अभी तक के लिए तो APL को फेवर कर रहा है। लेकिन शायद जो टॉट नंबर 20 की जो टीम है मेरे ख्याल से यहाँ पर फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको भी शायद मुझे लग रहा अंदाजा है शायद इसी वजह से वो यहाँ से निकलने में ही प्रायोरिटी अभी दिखा रही है अभी के लिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा सिनारियो रहेगा। मीनवाइल अगर आप बात करें अक्षित की, तो ये सारे निकल कर जा रहे हैं अपने अपने जोन के अंदर, और जैसे कि आपने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है फाइट के अंदर। एक और फ्लाईपाथ यहाँ पर आ चुका है, एक और प्लेन आया था, एक और एयर ड्रॉप यहाँ पर छोड़कर जाएगा। ये फाइट अच्छी निकाल रही है वेलक्राफ्ट की टीम, क्या लग रहा है गेम जो भाई, एक प्रेडिक्शन पहले आप दो यहाँ पर, अभी इस एयर ड्रॉप में से क्या निकलेगा? मुझे लग रहा है शायद MK14 हो सकती है, मैं जरूर देखूंगा क्योंकि गाइस जब फाइट नहीं हो रही तो कम से कम कुछ तो दिखा नहीं MK14। तो माई भाई ने तो रैंडम ही कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी ग्रोजा काफी हमें देखने को मिली थी, बट MK14 और पान सिंह हो चुके हैं अपन अकॉर्ड, और माई भाई जैसे हम बात कर रहे थे वहां पर फाइट्स इनिशिएट हो ही चुके फाइनली जैसे हम देख ही रहे थे। बिल्कुल, मैं चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कि मिस्टर स्प्रे ने फ्लेयर गन यूज करी है। okay. अब देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर TSM वाज प्लेइंग अदर स्किन्स, माया भी भाई बता दो। हाँ, उनका एक इवेंट था ना ब्रो, तो वो इवेंट खेलने अभी के लिए उधर जा सकते हैं, उसमें कोई गलत चीज थोड़ी है। अब चले गए तो कोई बात नहीं, रेगुलर यहाँ पर खेल रहे थे, अभी जब उनका इवेंट खत्म हो जाएगा तो वापस प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। सो आप लोग वेट करो यार, कोई इतना दिक्कत नहीं है, APL आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लॉबी सर्व करेगा। INS की बात की जाए तो सामने आपको अक्षित मिड रेंज में, इनको भी डाउन कर दिया, जो उनके ओपन से आ रहे थे, पान सिंह की टीम है बिल्कुल ओपन से आ रहे हैं, बट एक दिन पहले डे बिफोर यस्टरडे माइट बी इनकी शुरुआत अच्छी नहीं की थी INS, एक अर्ली एलिमिनेशन फेस करा था उन्होंने, और ये चीज मुझे लगी थी शायद अब इनका जो बाकी मैचेस रहेंगे वो अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने करके दिखाया था उस दिन भी मायावी दोनों लास्ट के बचे हुए जो मैचेस थे उसमें बेस्ट निकाले थे, और अभी तक वो कंसिस्टेंसी वो हमें देखने को मिल रही है हर जब भी गेम हम देख रहे हैं APL में उनका। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही तो की है, जहाँ पर आप बिल्कुल बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज अपनी दिखाते रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइजेशन हम देखते हैं। साथ में चैट में भी कई लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिख रही है, बट टीम वाल यहाँ पर रिवेंज की टीम को और कुछ बढ़िया गन पावर दिखाने की जरूरत रहने वाली है, और वो दिखा भी रहे हैं। टू प्लेयर्स यहाँ पर नॉकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट सोनिक इज लुकिंग अनस्टॉपेबल, ये प्रोन शॉट था, ये क्या होना जाने उस डाउन में प्लेयर, सारे प्लेयर यहाँ पर प्रोन शॉट मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा स्मोक ग्लिच है, एक अलग ही लेवल का स्मोक आपको पता है कि हर खिलाड़ी का इतना बेस्ट टीम है उनका हेड शॉट पे ही रहता है, और सडनली अगर आप प्रोन हो जाते हैं आपको पता है कि आप इंस्टेंटली आप फिर नॉकआउट नहीं निकाल सकते, तो वही चीज कोशिश थी, लेकिन ये जो आखिरी खिलाड़ी था वहां पर
उस टीम का, उसको शायद अंदाजा नहीं था कि किस डायरेक्शन में, तो इसी वजह से प्रोन हुआ, बट उसको ये नहीं पता था कि फाइट कहां से, गोली कहां से आ रही है उसके ऊपर, बुलेट्स। बट उसके बीच में स्मोक ग्लिच भी था जो शायद हमें दिखा नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ विजंस ऐसे थे जो थोड़े से फनी निकल कर आए हम लोगों के लिए। मीनवाइल एपीएल की टीम जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इस मैच में थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। गॉड बचेंगे, जस्सी बचेंगे और रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप जोन के बाहर है और वीकल है। चलिए देखते हैं स्लैमिंग डालने के बाद क्या रिवाइवल मिल पाएगा। बट अभी के लिए अगर हम बात करूं, क्रशर जस्सी हुए यहां पर नॉकआउट एंड बढ़िया मौका है एनएसएन, मेरे ख्याल से एक अनस्टॉपेबल का एक टैग हम दे सकते हैं यहां पर, क्योंकि मैं भी 7 किल्स तो निकाल चुका है और एक बढ़िया मौका है यहां पर एपीएल को भी वाइप आउट करने का उनके पास। बिल्कुल, यही तो दर्शाता है कि आपकी गन पावर इतनी बढ़िया है। आप देखिए हायर ग्राउंड से किसी को भी आप जोन के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इंडियन टाइगर्स 12 किल्स के साथ यहां पर, माय गॉड लुक एट द डोमिनेशन, बैक टू बैक यहां पर किल्स। जैसे ही मैंने कहा था ये फियरलेस टीम है, ये मारती है, इनको जो एनिमीज दिख गए ये वहां स्टेरिंग मोड़ देते हैं। अपना पैटर्न तो इनके पास है ही है, बट आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द गेम प्लान के अगर ये खेलते हैं तब भी किल्स निकाल लेते हैं, ये एक अच्छी चीज है। ये दूसरों से अलग बनाती है इंडियन टाइगर्स की टीम को, और वो क्यों ना हो, जैसे वर्ल्ड 11 की टीम नहीं बनती कि आपने सारे हर टीम के टॉप बैट्समैन उठा के टीम बना ली। ये इंडियन टाइगर्स की टीम कोई ऐसी टीम है, आपने पूरे बैन के टाइम में जो टॉप फ्रैगर्स थे सबकी उठा के एक लाइनअप बना दी और फिर कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स निकलेंगे फिर। बिल्कुल, स्लॉट नंबर 19 गाइस। अभी अगर बात करें मायावी, कल अच्छा दिन नहीं था टीम इनसेन का, आज पहला गेम भी अच्छा नहीं गया, और मुझे लग रहा है शायद एक बढ़िया, अब मेरे ख्याल से रिकवरी अपनी करती हुई परफॉर्मेंस में एक बढ़िया मौका है पास स्लॉट नंबर 24 को एलिमिनेट करने का। बिल्कुल, सिनेरियो तो अच्छा ही चल रहा है। अगर इनसेन एक्स गोब्लिन की बात करें तो स्टार्टिंग से इनका जो गेम प्ले था वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। ऑरेंज रॉकर फ्यूचर सेशन दोनों को ही डाउन करा, बट अभी एक ही प्लेयर नॉकआउट हुआ है, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। स्मोक के अंदर जाके इजिली रिवाइवल मिल जाएगा, पीछे से सभी तार शायद इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ किल्स देखिए गाइस, इंडियन टाइगर्स सभी तार यहां पर मेरे ख्याल से पूरी की पूरी टीम 14 किल्स का और अभी भी बचे हुए हैं, इनको हटा देते 16 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए हैं, कुछ और बढ़िया किल्स निकाल सकती है टीम। ओके, यहां पर कमेंट देख रहा कि बोल रहा है कि माय भाई वहां पर भी टीएसएम नहीं गई है, लेकिन अभी के लिए इनसेन रणदीप के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हुई। एंड बताना चाहेंगे इसकी, हो सकता है कि थोड़ा सा आज रेस्ट डे होगा, माइट भी हो सकता है, या फिर जो स्टार्टिंग के एक दिन के मैचेस थे उन्होंने खेलते, बट अभी के लिए पीजीएस एडमिरल गए जरूर है, लेकिन वाइप आउट के लिए मेहम मान ऑफ द लास्ट मैन स्टैंड हील बैटल थोड़ा सा कर रहे हैं। जी नहीं, हील बैटल तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुश्किल नजर आ रही है उनके लिए, आखिरी सोल सर्वाइवर नजर आ रहे हैं यहां पर वो। ये स्मोक छट जाएगा इसके बाद, यहाँ पर आई थिंक इनकी गेम भी हाथ से निकल जाएगी। ओपन में थे एक प्लेयर जिनका एडीएस क्लच के चलते हम यहाँ पर स्पे नहीं देख पाए, बट इंडियन टाइगर्स के लिए भी मुझे कुछ अब थोड़ा सा ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। आईएनएस एक बहुत अग्रेसिव टीम, साथ में उनके इंडियन टाइगर्स, तो दोनों ही अग्रेसिव शेर आपस में यहाँ पर भिड़ंत अपनी दिखाते हुए, जिसमें से सभी तार को नॉकआउट कर दिया, एक ही प्लेयर बचेगा सारंग, इनको सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा। स्मोक यहाँ पर किया जाएगा, नंबर ऑफ स्मोक्स करने पड़ेगी, कोई भी एक प्लेयर को रिवाइवल देना काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट अगर सारंग यहाँ पर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो दिक्कतें बढ़ सकती। और अगर हमारे कोशिश रही तो हम बिल्कुल आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट फोन में तो स्पेक्टेटर के लिए कुछ छोड़िए और कुछ कास्टर के लिए छोड़िए, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। बंदा बंदे बोलते हैं यार पीओवी दिखाइए, पीओवी दिखाइए, और ऐसे सिनेरियो अगर रहेगा तो पीओवी हम कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन इनसेन की तरफ से हम बात करें नहीं, वहां पर किल कंफर्म करते हुए, और दूसरा हम बात करें इंडियन टाइगर्स की, मायावी अभी अगर हम देखें 3-4 मिनट पहले चारों खिलाड़ी इनके अलाइव थे। बिल्कुल, यहाँ पर आप स्मोक देखिए, स्मोक में एफपीवी मोड पर जाकर अटैक करना चाह रहे हैं इंडियन टाइगर्स के सारंग, और इनको अब करना पड़ेगा डिसाइडर 1v2। क्या थ्रोएबल्स का यूज करना एक अच्छी थॉट रहेगी, हाथ में तो सिर्फ एक यूएमपी है जो कि क्लोज रेंज में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लीथल वेपन नहीं है, बट हाँ इनके पास एक ड्रॉप का अच्छा कवर है। सामने से बंदी बंदी फाइट रहेगी, दिस मार्क्स द नेट फॉर इंडियन टाइगर्स के सारंग, दो ही प्लेयर्स यहाँ पर बचे हुए, 1v2 की फाइट रहेगी। इनसेन की टीम के लिए स्टार्टिंग से ये मैच बहुत अच्छा था, और कहना गलत नहीं रहेगा कि टॉप 3 की जो टीम है सबके पास 12 से ज्यादा किल्स है। क्या इनसेन के पास भी इतने किल्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से इनको अच्छे किल्स मिले थे। आईएनएस के पास 14 है, इंडियन टाइगर्स के पास हमने 12-13 किल्स देखे थे, तो मेरे ख्याल से ये मैच बहुत ज्यादा हाई किल था। ये लीजिए इनसेन के पास भी 11 है, फार्मा भी निकाल लेंगे, ये लीजिए नॉक भी कर दिया, लास्ट मैच स्टार्टिंग पर भी निकाल लेंगे। माय गॉड, इनसेन एक्स क्लॉक की टीम एक्चुअली दे आर द यू नो गेम चेंजर। Wow, the
गेम चेंजर्स इनसेन एक्सक्लो, जिस अग्रेसिव पुश के साथ इन्होंने अपना मैच शुरू करा था एल्पोजो से, आखिरी तक भी यहां पर उन्होंने अपनी डोमिनेशन दिखाई है, 13 किल्स की डोमिनेशन। मैं तो कहूंगा दो ही प्लेयर्स का यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। आप नियो की बात कर ले, आप दीप की बात कर रहे हैं, 8 किल्स यहां पर जाएंगे सोलो क्लो नियो के पास, एंड कुछ वैसा ही डोमिनेशन हमें मिला है क्रॉलर्स की, आईएनएस की टीम के क्रॉलर्स एचबी की तरफ से 8 किल्स वो भी लेकर जा चुके हैं, और सारंग और इंडियन टाइगर्स की आप बात कर ले तो यहां पर भी 14 किल्स है। तो जैसे मैंने कहा था टॉप 3 तो छोड़ो, टॉप 4 पे भी आ जाओ, उनके पास भी बड़े जबरदस्त किल है, 12 किल्स है। आप टॉप 4 में देखिए अगर गेम जो पहले के पास 13, दूसरे के पास 14, फिर यहां पर आपको मिलेंगे मेरे ख्याल से 14 और फिर आपको मिलेंगे 12, तो आई थिंक 90% लॉबी तो इन टॉप 4 टीम्स ने फिनिश अप कर दी। बिल्कुल, लेकिन ये जो आखिरी 1v2 आपने दर्शाया वो स्मोक वॉल जो था काफी एक अच्छा रोल अदा करता हुआ नजर आया, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट हुआ था आपके सामने, आप बिल्कुल भी आप अपोनेंट आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता, थोड़ा आपको पता तो रहते कि एग्जैक्ट है सामने, लेकिन आप उसकी वजह से इल्यूजन की वजह से उस कंफ्यूजन की वजह से आप अपनी तरफ से शॉट नहीं लेते हैं, और इसका फायदा वहां पर उस इंसेन के खिलाड़ी ने उठाया और 1v2। और मुझे लगा था जो दूसरा खिलाड़ी वॉल के उस कवर के पीछे स्टोन के पीछे जरूर था, लेकिन शायद जब तक वो अपने आप को छुपा पाता तब तक वो जो स्प्रे जबरदस्त इतना जबरदस्त स्प्रे था शायद उनका वही एक कारण था विनर बने चिकन डिनर टीम इंसेन के पास गए यहाँ पर। बिल्कुल, प्रोन स्प्रे दिया था, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में से कोई भी प्लेयर कवर में नहीं था। Yes. एक पेड़ के ऊपर नहीं दिया पता, एक ड्रॉप के भी ऊपर नहीं दिया पता, कोई भी एक प्लेयर कवर में रहता तो यू नो थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, बट कहीं ना कहीं वो प्रोन स्प्रेज और वो लक फैक्टर दोनों ही इनसेन के प्लेयर्स के फेवर में गया। सो गाइस दिस इज इट, ये था आज का हमारा दूसरा मुकाबला, एक लेते हैं छोटा सा वाटर ब्रेक, कुछ कॉल्स भी अर्जेंट से आ रहे हैं तो वो भी अभी के लिए पिकअप करने थोड़े से जरूरी है, एंड लेते हैं छोटा सा ब्रेक के उस पार। तीसरा मुकाबला इरांगल का मैच रहेगा, आप लोग अगर एपीएल जूनियर कप में रजिस्टर करना चाहते हैं, कुछ लोगों का मैं चैट में देख रहा हूं अभी भी पूछ रहे हैं कि हाउ टू रजिस्टर वेयर टू रजिस्टर, तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे स्टोरी डाली हुई है, स्वाइप अप करो सीधा डिस्कॉर्ड में पहुंच जाओगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लो इस चैट की, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको वहां पर भी मिल जाएगा, आप एपीएल के इंस्टाग्राम पे जाए वहां के बायो में आप चेक कर ले, वहां पर भी आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। फॉर दोज हु आर आस्किंग कि हाउ टू रजिस्टर वेयर टू रजिस्टर, अ सिंपल आंसर इज डिस्कॉर्ड। और उसके बाद एक और मैंने मैसेज पढ़ा था कि मैंने रजिस्टर किया था कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको रिस्पॉन्स मेल के रूप में आ जाएगा जब सारे रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, सो यू गॉट अ वेट टिल द टाइम सारे रजिस्ट्रेशन हो नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट रजिस्टर किया और जस्ट आपको मिला कि हाँ आपका स्लॉट बुक हो गया, सारे रजिस्ट्रेशन एक बार पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये रहा आपका स्लॉट, ये रही आपका टीम और इस डेट पर आपका पहला मुकाबला। अब जो टाइम रहेगा वो आपको उसी टाइम पर पता चलेगा, पहले पूछने का शायद कोई फायदा रहेगा नहीं क्योंकि वो एज पर द टाइम एंड एज पर द प्लान ही डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल, तो गाइज अभी एक छोटा सा ब्रेक बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ गाइज आप लाइक नहीं कर रहे हैं, काफी अच्छी वॉचिंग यहाँ पर 3-4 हज़ार की मैं देख रहा था, तो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको हमारी कास्टिंग पसंद आ रही तो प्लीज जाके हमें भी जरूर सपोर्ट दिखाइए, अभी पॉज टाइम है तो आप जा सकते हैं, और कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी हो कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं हम दोनों से कर सकते हैं, डीएम जरूर कर देना अगर आप क्वेरीज करना है, और फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा, चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है, साथ साथ एपीएल को भी फॉलो करते रहिए, और वो जो टूर्नामेंट का जो हमने बताया आपको बार बार बताते रहेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम चाहते हैं कि आप वो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, एंड अभी के लिए बढ़ते हैं गाइस छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इरांगल का मैच गाइस इंतजार कर रहा है मैच नंबर 3।
so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to paint on my mind like standing on rainbows, playing it cool. I've been practicing in ages and I've no more patience. So won't you please? I've become a little stronger now.
Okay, the guys, welcome back again to the APL Esports Presents Invitational Screams Day 6 and बात करें यहाँ पर मैच नंबर 3 गाइज, जो आज का दिन का आखिरी मुकाबला है, कुछ ही देर में यहाँ पर स्टार्ट होता आपको नजर आएगा एंड माई भाई भी हमारे साथ फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे ज़रूर एंड साथ ही साथ गाइज दो मैचेस जो अभी आपने एक्सपीरियंस करे काफ़ी शानदार गए हैं वहाँ पर एंड लेट्स सी। पिछले गेम में तो गाइज मुकाबले यहाँ पर रहे थे इनसेन, वहाँ पर विजेता पहले मुकाबले गाइज टीम एपीएल ने वहाँ पर विजय हासिल करी थी एंड तीसरे गेम में किस टीम का डोमिनेशन देखने मिलेगा लेट्स फाइंड आउट। बट अभी के लिए बात करूँ स्लॉट नंबर अगर आप देखेंगे स्लॉट नंबर 4 से अगर आप देखेंगे यहाँ से टीम कॉरल है, ऑरेंज रॉक है, टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लॉट नंबर 8 की बात करें टीम
फ्यूचर स्टेशन के खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं स्लॉट नंबर 9। यहाँ पर मैं देखूँ प्रधान, प्रधान वैसे मेरे ख्याल से आई गेस मेरे ख्याल से देखिए शायद हो सकता है टीम एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाई, इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि जो पान सिंह जो एलिमेंट के साथ खेल रहे थे वो थोड़ा सा यहाँ पर किसी और स्लॉट में बैठ रखे हैं कि नहीं। शायद जी हाँ, थोड़ा बहुत स्लॉट भी यहाँ पर ऊपर नीचे गए, चेंज भी यहाँ पर टीम्स ने करें, तो होपफुली कन्फ्यूजन हमें थोड़ी सी हो सकती है स्लॉट टीम नेम से। बट बढ़ते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के, मैं आवाज़ को करता हूँ यहाँ पर तेज़ एंड बढ़ते सीधा हम हमारे फ्लाइंग पाथ की तरफ कि हमारा जो फ्लाइंग पाथ है वो किस डायरेक्शन से आता। ओके तो अभी माई भाई थोड़ा सा कॉल पे हैं, तो गाइस बढ़ेंगे सीधा एंड जैसे ही यहाँ पर जुड़ेंगे तुरंत ही वो भी यहाँ पर हमारे साथ कास्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी के लिए बात करते हैं हमारे फ्लाइंग पाथ की कि हमारा फ्लाइंग पाथ कहाँ से घिसता हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा गाइस ग्लिच्ड फ्लाइंग पाथ है। बहुत ही गाइस ऐसे होता है कि 10 या फिर 15 मैच जब आप कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, उसमें से गाइस एक ऐसा मैप यहाँ पर आ जाता है जिसमें आप एक तरह से बोल सकते हैं इनविजिबल फ्लाइंग पाथ, हमें वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अभी के लिए हम बात करें मिलिट्री बेस से होता हुआ और ये थोड़ा सा इमेजिनरी अगर लाइन अगर आप खींचेंगे आगे तक, तो ये जाकी जॉर्जो पुल से होता हुआ जारकी पे जाकर ये एंड कर सकता है। टीम्स काफ़ी खुश रही है कि इस फ्लाइंग पाथ में अभी भी काफ़ी जगह कवर करी जा रही है, लेकिन जो टीम्स यास नया सेवन ही जाने की कोशिश करती है मेंशन प्रिजन, उनके लिए थोड़ा सा कहीं मुश्किल हो सकती है। अर्ली पैराशूटिंग कर रहे हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी टीम्स में देख रहा हूँ अभी भी अर्ली पैराशूटिंग उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन लेट्स सी क्या लास्ट में उनका अंजाम, क्या वो पहुंच पाएंगे उस जगह पे जिस जगह जाने की उन्होंने ठानी है कि नहीं, वो देखना जरूर चाहूंगा। और गॉडल के ऊपर नजर है कि कौन सी टीम यहाँ पर उनके अगेंस्ट आ सकती है। पिछले गेम अगर हम बात करें मैप नंबर 1 की, वहाँ पर हमें टीम फिनटॉक्स के खिलाड़ी फिनटॉक्स के खिलाड़ी वहाँ पर नज़र आए थे। बट इस गेम में क्या फिर से वही चीज़ हमें, यानी हमें बैटल टीम नंबर 17 देखने को मिल सकती है कि नहीं, चांसेस तो हैं। और साथ ही साथ इस बार ऐसा नहीं गाइस कि टीम फिनटॉक्स है, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ स्लॉट नंबर 9 यानी इंडियन टाइगर्स के खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। और पिछले मुकाबले में गाइस जो मैंने यहाँ पर देखे थे 2 से 3 टॉप 4 जो टीम्स थी ऑलमोस्ट गाइस 10 किल्स के करीब थी वहाँ पर, तो बहुत अच्छा हमें टीम्स की तरफ से कुछ अच्छा खासा डोमिनेशन हमें देखने को मिला। अभी के लिए टीम गॉडल यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रिपल टीम कॉम्बैट हमें देखने को मिलेगा। और सामने अगर हम बात करें फिनटॉक्स की टीम तो है ही है, और साथ ही साथ वहाँ पर टीम इंडियन टाइगर्स के खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। एस पावर के ऊपर नजर है यहाँ पर, स्मोकी के ऊपर नजर है, साथ साथ उनके जो साथी खिलाड़ी अगर मैं बात करूँ जो बाकी टीम्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पीजीएस के खिलाड़ी यहाँ पर आईनियस को कर दिया है नॉकआउट। बट अभी के लिए एक्वानॉक्स एटी की बात करें कि अभी तो गाइस कुछ भी नहीं है इनके पास अगर आप देखेंगे तो, और चलते हैं यहाँ पर आईएनएस के पास। शायद मेरे ख्याल से अभी के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई है टीम आईएनएस के पास, तो स्लॉट नंबर 19 की तरफ बढ़ता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे पहले ही यहाँ पर शुरुआती झटके खाती हुई। और अभी के जो बाकी टीम्स है कंटेनर्स की तरफ ही फाइट हो रही है, मिनी 14 यहाँ पर मिली जरूर, लेकिन अभी के लिए हेल्थ किट मिलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, यानी जो फाइट्स गाइस होती नजर आ रही है आप अगर आप देखेंगे जॉर्जियो बुल कंटेनर्स। एंड बात करें यहाँ पर टीम तमिलास के खिलाड़ी आपको नजर आते हुए, आईवाईडी एक्सटी के खिलाड़ी यहाँ पर नजर आते हुए, पीजीएस आईएनएस के टीयर के एक और यहाँ पर नॉकआउट झटका मिलता हुआ। और टीम पुशर ईएक्स काफ़ी शुरुआत काफ़ी अच्छी उनकी हो चुकी है, 22 अगर आप देखेंगे स्लॉट नंबर 24 में बैठ रखे हैं और 2 किल्स भी यहाँ पर निकालने में उनको कामयाबी मिलती हुई। और इसी बीच चलते हैं पर मेरे ख्याल से शायद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की भी कुछ फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई, लेकिन चलते हैं पर थोड़ी सी क्लोज फाइट के ऊपर। टीम पुशर एक्स ही है, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई लेकिन जवाबी यहाँ पर उनको भी मिलता हुआ स्लॉट नंबर 16 की तरफ से, यानी टीम तमिलास की तरफ से। एक बार मैं ज़रूर चलना चाहूँगा यहाँ पर टीम नंबर 6 यानी टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जैसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनके भी थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से अगर बात करूँ प्लेयर्स हैं आए जरूर थे टॉप फ्रैगर बचाने के लिए, लेकिन द एफएनसी द ड्यूड ने जो बचाया अपने टीम को बहुत ही शानदार, और एक बढ़िया मौका था यहाँ पर एलिमिनेट करने का, लेकिन जी फेस अभी भी यहाँ पर एक आखिरी उम्मीद यहाँ पर है अपनी टीम की तरफ से, क्या एक क्लच देखने मिले। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अक्षित की, वो तो आ रहे हैं यहाँ पर अपने टीम में अपने जो बाकी साथी हैं उनके उनको फिनिश ऑफ करने के लिए। अभी के लिए 5 सेकंड का समय बच रहा है गाइस, हर सेकंड यहाँ पर कीमती है उनके लिए। अक्षित वहाँ पर टॉप फ्रैगर को भी यहाँ पर नॉकआउट निकाल चुके, बट अभी के लिए फियर्स का गाइस ये फाइट दिखाना बहुत जरूरी मैं समझना चाहता हूँ। यहाँ पर मिलिट्री बेस की तरफ फाइट, टीपी भी करके ऑलरेडी दे चुके थे, प्री फायर करने की कोशिश वहाँ पर अच्छी थी लेकिन क्या कर पाएंगे नहीं, डीपी 28 उनके पास, और मेरे ख्याल से शायद वो बीच में एक पॉज लाना वो गलत साबित होता वो है। अक्षित किल्स कन्फर्म करेंगे एंड अपने एक भी खिलाड़ी को यहाँ पर बोल सकते हैं नहीं गंवाएंगे, वो मुझे लगा था शायद यहाँ पर गंवा सकते हैं प्लेयर, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो चलते हैं यहाँ पर स्लॉट नंबर 17 के पास टीम फिनटॉक्स, और बात करूँ मैं टीम गॉडल की, गॉडल अलीशा हो चुके हैं गेम से बाहर, स्मोक्स यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं, ग्रेनेड्स यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, जी नहीं ग्रेनेड्स तो नहीं है लेकिन सभी जगह स्मोक्स ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा सके टीम इंडियन टाइगर्स के खेमे में। बट अभी के लिए अगर हम बात करें शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई यहाँ पर टीम गॉडल की भी, बट जो तीसरी टीम आई थी यहाँ पर मैं बात करूँ स्लॉट नंबर 17 फिनटॉक्स के, उसके ऑलरेडी 3 खिलाड़ी तो यहाँ पर जा चुके हैं जो मुझे नजर, जी नहीं 2 खिलाड़ी यहाँ पर जा चुके हैं, 2 खिलाड़ी अब बचे हुए यहाँ पर,
विंटॉस की तरफ से देखो प्रधान की भी यहाँ पर फाइट हो रही है। थोड़ा सा एक बार जूम आउट करता हूँ गाइस, ये फाइट कहाँ पर हो रही है, काफ़ी दूर से अगर देखो तो लाइफक्राफ्ट और एपीएल की भी यहाँ पर फाइट समय देखने को मिलती हुई, बट ये ज़्यादा क्लोज है अगर आप देखेंगे तो। डेस्ट्रो खेल रहे हैं क्या? बाकी गाइज जो टीम्स हम काफ़ी आज मिस करा हमने जिन्होंने, तो एक तो थी गाइज यहाँ पर TSM, साथ ही साथ यहाँ पर टीम ब्लाइंड, टीम रेड ऑल गेमिंग। होपफुली गाइज अगर सब कुछ सही रहता है कल को, अगर वैसा इवेंट्स नहीं आता तो आपको TSM भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 45,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है हम, तो हम चाहते हैं गाइज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ साथ गाइज अगर आपको कास्टिंग पसंद आ रही है हमारी अभी, तो जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो गेम्स को आप कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पर भी आप जा सके फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ मेरे साथ माई भाई भी अभी जुड़ेंगे, उनकी भी गाइज कास्टिंग आपको मुझे पता है गाइज पसंद आ रही, तो उनको भी ज़रूर जाके फॉलो कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी क्वेरीज रहती है, मैं काफी क्वेरी सुनता हूं कि यार अंडरडॉग्स को यार मुझे यार टीम नहीं मिल रही, बहुत चीजें होती है, तो गाइज आप मुझे फॉलो करके, इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझे DM जरूर कर दे, सो दैट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड कर सकूं, जहां पर आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग, तमाम जानकारी मिलती रहेगी आपको रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी जो प्लेयर्स होते हैं उनको टीम्स नहीं मिलती, तो उस ग्रुप के आपको जरिए से आपको अपनी जो फेवरेट, मतलब फेवरेट तो नहीं, मतलब आपको जो टीम्स आपको नहीं मिल रही काफ़ी समय से आपको मिल जाएगी। और अभी लास्ट 2 से 3 डेज में अगर बात करूँ, जब से मैंने बताना स्टार्ट करा है, आई गेस मेरे ख्याल से 60-70 DMs मुझे आ चुके हैं, सभी को मैं गाइस ग्रुप में ऐड कर चुका हूँ। और जो क्वेरीज थी रिक्रूटमेंट मतलब प्लेयर्स ढूंढने के रिगार्डिंग, वो तो गाइस मोस्टली क्वेरीज तो सॉल्व भी हो चुकी है। और कोई भी अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, माई भाई से भी आप पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो जाइए फॉलो कीजिए एंड हमें DM ज़रूर कीजिए। और स्पेशली अगर आप मुझे DM और साथ ही साथ DM करेंगे तो मैं आपको गाइस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जब जैसी भी चीज़ें वहाँ पर हमारे पास मौजूद होगी। काफ़ी अंडरडॉग्स के लिए गाइस सकता हूँ, 1 ईयर से भी ज्यादा वो ग्रुप हो चुका है, उसको ग्रुप में बने और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द अंडरडॉग्स। बट अभी के लिए चलते हैं स्लॉट नंबर 8 के पास, टीम फ्यूचर स्टेशन आपके सामने यहाँ पर रौनक नजर आते हुए। फ्यूचर स्टेशन की हम बात करें, शुरुआत काफी अच्छी रही थी, बट पिछले गेम में जो मैंने देखा था उतना अच्छा एक्सपेक्टेड वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, बट अभी भी एक बढ़िया मौका है उनके पास, हर मैच ये बोल सकते हैं गाइस एक फ्रेश स्टार्ट होता है, तो कुछ भी यहाँ पर अभी हो सकता है। और पॉइंट्स टेबल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप जा सकते हैं APL स्पोर्ट्स में, वहाँ पर गाइस स्टोरीज में हम अपलोड भी करते थे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं टीम इंडियन टाइगर्स। पिछला गेम 12+ किल्स गाइस, ऑलमोस्ट आगे 14 किल्स उन्होंने निकाले थे, अभी के लिए एक और किल्स आप सिक्योर कर दिए, 5वां किल सिक्योर कर चुके इधर। TSM है क्या? नहीं हो ब्रो, थोड़ा सा यहाँ पर अपने प्लेयर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। सामने गाइस स्लॉट नंबर 17 की हम बात करें, फिनटॉक्स VR1 स्केलेटन कोशिश तो कर रहे हैं, और ये SLR का जो शॉट था बहुत ही शानदार था, यहाँ पर एक सरप्राइज है कि मेरे ख्याल से उनके साथ आई गेस सप्रेसर भी लग रखा है, शायद इसी वजह से वो बिल्कुल आवाज़ भी उनको एक्चुअल अंदाजे नहीं लग पाया। लेकिन इस बीच यहाँ पर ओवा की भी फाइट हमें देखने को मिल रही है और IT सारंग फिनिश ऑफ करते जाएंगे, लेकिन मैं बिना किसी देर के चलूंगा सीधा टीम ऑरेंज रॉक के पास, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओवा रैक्सी थोड़ा टीम से क्या अलग हुए, यहाँ पर जो सामने टीम जो टीम फ्यूचर स्टेशन थी उन्होंने वहाँ पर उनका एलिमिनेशन यहाँ पर निकाल दिया। रौनक को यहाँ पर करा जरूर था नॉकआउट, लेकिन मुझे लग जी नहीं रौनक तो नहीं हुए थे नॉकआउट, कोई तो हुआ था मेरे ख्याल से, बट किल तो यहाँ पर सिक्योर करने में उनको कामयाब मिली। यही चीज़ होती है इस खास खासियत यही है प्रोफेशनल जब टीम्स यहाँ पर खेलती है, अगर उनको भी गलती से जब वो पहले चेकआउट करते हैं कि कितने खिलाड़ी मौजूद है आसपास, अगर उनको लगता है कि खिलाड़ी अकेला घूम रहा है अकेला स्काउटिंग कर रहा है वहाँ पर, तो जा सक उनके पास चले आते हैं एंड फिनिश आउट करते हैं, और वही चीज़ टीम फ्यूचर सीजन खिलाड़ी करी, जब तक वहाँ पर संभल पाते तब तक तो गेम ओवर वहाँ पर हो चुका था। टीम APL प्लीज़, बिल्कुल APL के पास भी हम चलेंगे। आज जो पहला गेम गाइस चिकन डिनर निकाला था, काफ़ी बढ़िया शुरुआत उनके ने यहाँ पर करके दिखाई थी। एंड एक मिनट रुकिए, पहले मैं एक बार चेकआउट कर लूँ कौन से स्लॉट में यहाँ पर खेल रही है। ओके, अर्ली एलिमिनेशन गाइस यहाँ पर फेस करा उन्होंने, अगर हम बात करें APLX घातक हीरो पमची जस्सी एंड अवतार ने काफ़ी अर्ली एलिमिनेशन उन्होंने फेस करा, तो मुश्किल तो यहाँ पर अभी रही मैच नंबर 3 में। बट चलते हैं यहाँ पर टीम गॉडल के पास, टीम गॉडल गॉडल के पास गाइस, मैं जैसे ही ज़्यादा तब तक फाइट ओवर हो चुकी थी टीम इंडियन टाइगर्स, बेशक यहाँ पर नॉकआउट्स गवाए जरूर, लेकिन किल निकालने में कामयाबी यहाँ पर टीम इंडियन टाइगर्स को मिलती हुई। तो टीम गॉडल का भी यहाँ पर एक अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ, 10 मिनट भी अभी गेम को नहीं हुए गए स्टार्ट हुए, एंड इतना जल्दी यहाँ पर अगर बात की जाए शुरुआत मिल चुकी है उनको। बट कोई बात नहीं, गॉडल ने आज जो खेला है अपनी तरफ से एक बेस्ट दिखाया, पोशिंग में बहुत ही गाइस ऐसा रेयर देखने को मिलता है कि उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाए।
बट कोई बात नहीं, आज का दिन थोड़ा सा अच्छा उनके लिए बोल सकते हैं, इवन स्टीवन उतना नहीं रहा उनके, बोल सकते हैं उनको फेवर ज़्यादा नहीं करा। बट चलते हैं यहाँ पर बाकी टीम्स को गाइस, चलते हैं यहाँ पर हम टीम नंबर 25 के पास, टीम पुशर एक्स ईएस के खिलाड़ी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर माइकल है और उनके जस्ट सामने इंडियन टाइगर्स है। उनका रोटेशन की मैं बात करूँगा इस, पहले भी जब अकॉम उनका लाइन, जब वो अकॉम के नाम से गिरते तब भी कुछ इसी तरह का लाइनअप हमें उनके रोटेशन देखने को मिलता था, वो बिल्कुल बीचों बीच उतरते थे। उसके बाद उनका जब भी रोटेशन निकलता था वो इस पोचिंग की साइड की तरफ से वो निकलना हमेशा प्रेफर करते थे। और तभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी लूट वगैरह तो मिल चुकी है, लेकिन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नॉकआउट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए इंडियन टाइगर्स के तो फिर काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। और चलते हैं यहाँ पर इसी बीच स्लॉट नंबर 18 के पास, स्लॉट नंबर 18 गाइस, यहाँ पर टीम एलिमेंट का लाइनअप है। वैसे गैस टीम इनसेन था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इनसेन कौन से उसमें खेल रही है एक बार मैं ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि शायद ओके इनसेन का लाइनअप यहाँ पर चले गए स्लॉट नंबर 13 में। तो काफ़ी शफलिंग हमें देखने को मिली, मतलब प्लेस थोड़े से एक दूसरे के स्लॉट में यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। काफ़ी अच्छा एक मूव है, स्मार्ट मूव, गाड़ी भी आपकी यहाँ से आराम से निकल सकती है और निकल भी जाएगी यहाँ पर बिना किसी तकलीफ के। बट अभी के लिए पान सिंह आए जरूर थे, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि स्लॉट नंबर 14 यानी टीम एक्स एट बिट यहाँ पर आके उनका कंफर्मेशन भी हमें नजर आएगा। यहाँ पर ओमेगा हुए हैं नॉकआउट, लेकिन टीम की तरफ से मैं बात करूँ बैकअप उनका यहाँ पर आ चुका है। क्या यहाँ पर एक बदला ले पाएगा पान सिंह का, खेल का यहाँ पर रेवेंज लिया जा सकता है कि नहीं, लेट्स सी क्या ये तीनों खिलाड़ी कैपेबल है कि नहीं। बात की जाए एफएनसी द ड्यूट की, थोड़ा सा फ्लैंक यहाँ पर जरूर ले रहे हैं अपनी टीम को, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर एक तरह से एस टू एच इस कंपाउंड्स के फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, नॉक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी के लिए अक्षित आपको रूफ टॉप पर नजर आते हुए, टॉप डॉक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में है और ग्राउंड लेवल फाइट उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती है। अभी के लिए 1 HP गाइस यहाँ पर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अपने आपको हील करना बहुत जरूरी है। इसी बीच अक्षित हुए हैं यहाँ पर नॉकआउट, रूफ टॉप से फाइट दे रहे थे एंड टॉप डॉक को थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर करना पड़ेगा। HP अगर आप देखें काफ़ी कम उनकी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है अगर आप बात करते हैं यहाँ पर। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँ द ड्यूड की, फुल HP सर्वाइव कर, लेकिन थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा उनको क्योंकि अक्षित का यहाँ पर नॉकआउट, ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। और इसी बीच टॉप डॉग यहाँ पर ओमेगा को करेंगे नॉकआउट, एक बढ़िया मौका है यहाँ पर। जेट मेल की बात करें, हर खिलाड़ी का इस कोशिश यही कर रहा है कि अगर नॉकआउट है तो उसको तुरंत ही कंफर्म किया जा सके। स्लॉट नंबर 14 का इज ऑन फायर, एक्स 8 बिट का खिलाड़ी 8 किल्स यहाँ पर निकाल चुके और अपने टीम को भी यहाँ पर बचाने में। लेकिन अगर मैं बात करूँ राइजिंग आर सोल डार्क, वो ऑलरेडी कर लिए एडमिशन का शिकार बन चुके थे, बट अच्छी बात ये कि यहाँ पर कोई भी और कैजुअलिटी नहीं गए, अदरवाइज दो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर फिर सर्वाइव करना पड़ता। और बढ़ता हूँ इसी बीच टीम ऑरेंज रॉक के पास, सोल नहीं खेल रहे ब्रो, जब यहां पर आ गया तब होगा यहां पर। जब यहाँ पर और जब आप बोल रहे हो ना SA12 तो आएगा मेरे ख्याल से SA12 या फिर सोल के ही नाम से जो भी लाइनअप बनेगा, बट ऑफिशियली जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक कैसे आ सकते हो खेलने। बट अभी के लिए बढ़ चुके हैं यहाँ पर हम टीम नंबर 8 के पास, टीम फ्यूचर स्टेशन है सामने। यहाँ पर हमें स्लॉट नंबर 5 के खिलाड़ी आपको नजर आते हुए ऑरेंज रॉक आ चुके हैं सामने। और अगर आप देखेंगे गिली शू यानी ओआर गिल लिसेंट ही गाइस ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है उनकी तरफ से कि कौन कौन से वो रोस्टर्स रहने वाले हैं। बट लेट्स सी क्या इस थ्रोएबल से कुछ किल्स यहाँ पर मिल सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा गाइस यहाँ पर मैं एक एरियल व्यू आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर एक्चुअल लोकेशन है। शायद उनको ओआर गिल की भी एक्चुअल लोकेशन नहीं पता है, उनका बस पता है कि उस डायरेक्शन में जरूर, लेकिन जिस तरह से ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं थोड़ा सा उनको यहाँ पर उनके ऊपर से निकल जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ काफ़ी दूरी से एक थर्ड पार्टी अटैक भी हमें देखने मिलता है, लेकिन डेस्ट्रो यहाँ पर हो चुके हैं नॉकआउट, गमला बॉय यहाँ पर करेंगे उनको नॉकआउट। और शायद ये चीज़ इस ओपनिंग की तलाश काफ़ी देर से वो कर रहे थे ओआर आदित्य। थोड़ा सा गाइस पीछे ज़रूर जाएंगे उनको रिवाइव के लिए, लेकिन गमला बॉय को पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच गमला बॉय का भी यहाँ पर नॉकआउट हमें देखने को मिलता हुआ। दो खिलाड़ी अभी यहाँ पर, तीन खिलाड़ी भी बच रखे हैं, सोमराज जाएंगे और मेरे ख्याल से टीम ऑरेंज रॉक का भी यहाँ पर करते हुए खात्मा, टीम फ्यूचर स्टेशन काफ़ी अच्छी। तो यही चीज़ है गाइस, एक ओपनिंग दिखाना बहुत ज़रूरी था और वही चीज़ ओपनिंग मिली एंड उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है। यहाँ पर बेशक नॉकआउट गया था उनका खिलाड़ी का, लेकिन उसके बाद मौका ही नहीं दिया गया यहाँ पर। गाइस मेक श्योर अभी तक अपने स्ट्रीम को लाइक शेयर नहीं करा जरूर आप कर लोग कर दीजिएगा यहाँ पर।
मैं देख रहा हूँ अभी भी 4,000 लाइक का जो गोल है आप कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, और अभी तक आपने नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कितने लाइक हो चुके हैं, 3.7 गाइस, 300 लाइक अवे हम यहाँ पर 4,000 के, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ साथ गाइस जो हमारा यहाँ पर अपकमिंग टूर्नामेंट आने वाला है इसको भी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर एक और दिखाना ज़रूर चाहूँगा आपको इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में गाइस सारी डिटेल्स हमारी मौजूद है, तो आप जाइए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए। और साथ अगर आपको गूगल फॉर्म का डायरेक्ट लिंक है जिसके थ्रू रजिस्टर होगा गाइस, वो भी हमने यहाँ पर मतलब मौजूद करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और नाइट बॉट भी गाइज आपको प्रोवाइड कर देगा वहाँ पर। चलिए वापस चलते हैं मैच की तरफ, एंड मैं लिस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ताकि जैसे ही अगर माई भाई अगर आएंगे हमारे साथ तो तुरंत ही उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टीम इनसेन के पास, जो वैसे इनका स्लॉट था स्लॉट नंबर आई गेस स्लॉट नंबर इनका मेरे ख्याल से स्लॉट नंबर किसी और में बैठा, जी हाँ स्लॉट नंबर 18 था लेकिन 13 में बैठ रखे हैं। मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, बट आज के लिए अगर बात करें पिछला गेम तो चिकन डिनर आया था, और थोड़ा सा इस गेम में अगर देखे जाए मुझे लगा था एग्रेशन के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन उनको पता है कि ज़्यादा एग्रेशन ओवर एग्रेशन भी टीम के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है, भारी जुर्माना दे सकते हैं उस चीज़ के लिए वो। बट अभी के लिए स्लो पेस स्टार्ट, एंड कोई दिक्कत नहीं है गाइज, लास्ट अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, नंबर एडवांटेज आपके पास है, तो कुछ भी आप गेम की तरफ ले जा सकते हैं यहाँ पर। अभी के लिए चलते हैं यहाँ पर बियर्ड बाबा के पास, और स्लॉट नंबर 15 सामने है यहाँ पर स्लॉट नंबर 12, थोड़ा संभल के यहाँ पर निकलना पड़ेगा उनको। मैं अगर देखूँ तो एनिग्मा बिलीफ फिनेटिक कैश है यहाँ पर, ड्रंकन ड्रीमर्स कमिंग सून का ये लाइनअप है, अगर मैं बात करूँ शायद एक रिसेंटली उन्होंने नाम रखा है टीम का कमिंग सून। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पर वॉकआउट के खिलाड़ी, उनके ड्रॉप लोकेशन के बिल्कुल पास से निकल रहे हैं यहाँ पर ड्रंकन गेमर्स, लेकिन बच गए यहाँ पर। अगर शायद यहाँ पर निकल जाता खेल तो फिर मुश्किल यहाँ पर हो सकता था। एंड ब्रो TSM प्लेइंग नो ब्रो, और मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर TSM आज शायद मौजूद कहीं पर भी नहीं हो सकी, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंट में जितने भी तीन अभी तक गए आई गेस लास्ट 3 डेज में तो TSM हमें खेलती हुई नजर आई थी, बट अभी की बात करें आज तो गाइस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। माइट भी एक ही टूर्नामेंट उन्होंने आज दिन का खेला, उसके बाद तो हमें कहीं पर भी वो नजर आई नहीं आई जहाँ पर उन्होंने रजिस्टर करा था। बट अभी के लिए बढ़ते स्लॉट नंबर 10 के पास, टीम रेवेन्यू ई-स्पोर्ट्स एक बढ़िया मौका यहाँ पर ट्रॉल के HP को यहाँ पर नॉकआउट निकालना, बट क्या यहाँ पर सफलता मिल पाएगी, नहीं, बहुत ही कम HP सर्वाइव कर रहे थे, एंड फाइनली लास्ट मिनट लगती हुई एंड नॉक, एंड शायद कन्फर्मेशन भी कुछ ही देर में आ सकता है उनका। बट चलते हैं पर स्लॉट नंबर 10 के पास, बट नॉकआउट को कन्वर्जन मिल पाएगा कि नहीं वो देखने वाली बात है अभी के लिए। और मुझे लग रहा है एक बढ़िया मौका है उनके पास अपने साथी को बचाने का, क्योंकि काफ़ी दूरी पर, और अगर यहाँ पर टीम रेवेन्यू ई-स्पोर्ट्स आ जाते इस कंपाउंड की तरफ तो एक बढ़िया मौका है यहाँ पर इस खिलाड़ी को क्रॉल HP को फिनिश ऑफ करने का। बट मैं चारों तरफ देखना चाहता हूँ कि उनके साथी खिलाड़ी है किधर, क्योंकि अभी तक बचाने में उनको कामयाबी तक नहीं मिली यहाँ पर। और दूसरे बात करें एक लॉन्ग डिस्टेंस वाइज हमें चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी मेहम आपके सामने यहाँ पर, और सामने है आपके स्लॉट नंबर 12 के खिलाड़ी जैसे हम बात कर रहे थे गाइस टीम कमिंग सून। एंड साथ साथ गाइस अगर कास्टिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ जाके ज़रूर मुझे भी सपोर्ट दिखाएगा। गेम्स अटैक YT ऑन Instagram, गेम्स अटैक ऑन YouTube, साथ ही साथ गाइस माई भाई को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। गेम्स यहाँ पर उनका जो Insta ID है वो हमने डिस्क्रिप्शन में मौजूद करके रखी हुई है, तो उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और साथ साथ गाइस आप अगर आप चाहते हैं WhatsApp ग्रुप में ऐड होना तो आप मुझे DM ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और DM भी ज़रूर कर देना ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, और उसमें तमाम जो भी कम्युनिटी में जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं गाइस काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी उस ग्रुप के थ्रू। रिक्रूटमेंट भी होते काफ़ी प्लेस जो होते हैं यहाँ पर देखने की उनके पास टीम्स नहीं है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और अभी तक लास्ट 2-3 डेज में जो मुझे 60-70 जो DMs आए उनको तो अभी तक मोस्टली तो अगर देखा है 80% को तो टीम्स जो टीम्स के रिगार्डिंग आए थे मेरे पास उनको टीम्स भी मिल चुकी है। बस आपको एक पोस्ट क्रिएट करना होता है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बस आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कर देते हैं प्लेस, क्योंकि पीछे में आ रहे तो भाई बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे कि जो टीम्स बनाने को काफ़ी इच्छुक हैं। और अभी के लिए चलते हैं स्लॉट नंबर 21 के पास, टीम INS के खिलाड़ी, पिछला गेम भी काफ़ी अच्छा रहा था, इस गेम में बेशक अभी अच्छी स्टार्ट तो नहीं मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि नंबर्स का अभी भी यहाँ पर एक एडवांटेज वो लोग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब मुझे नज़र आ रहा है कि टीम रेवेन्यू ई-स्पोर्ट्स उनके पास ये जो प्लस पॉइंट है एक साथ आगे बढ़ने का वो कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदा देता हुआ नजर आया। और अगर बात करूँ स्लॉट नंबर 12 क्या यहाँ पर एक थर्ड पार्टी दे सकती है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया मौका है उनके पास कि थर्ड पार्टी दे सकती है यहाँ पर वो। एक बार चलते हैं आगे की बात करिए, ओरियन गॉड यहाँ पर आपको नजर आते हुए स्काउट का ही पोस्टर का एक लगा रखा है। स्काउट भाई आगे इन फ्यूचर ज़रूर आएंगे वो, वैसे ही उनको पता ही आपको कि टीम्स तो ज़रूर आएगी। वाई नॉट शोइंग एकॉम फाइट हुई थी क्या? ओके, तो माइट भी हो सकता है कि मैं दूसरी फाइट वहाँ पर कवर कर रहा हूँ, बट
बिल्कुल गाइस, एक साथ यार आप समझ सकते हैं, कोशिश तो मेरी रहती है हर फाइट को यहाँ पर दिखाने की, बट अगर एक ही फाइट वहाँ पर आ जाती है तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट ऐसा नहीं कि मैं भाई एक टीम से मेरे लिए वो है कि मैं इनकी फेट फाइट को दिखाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। सभी फाइट्स को मैं यहाँ पर कन्फर्म मतलब दिखाता रहता हूँ आपको। और अभी के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ आर आई पी वर्सेस टीम, काफ़ी दूरी से फाइट सब मुझे अभी देखने को मिलती हुई, थोड़ा सा मैं जूमआउट कर लूँ। जी नहीं, कोई फाइट्स तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर चलता हूँ क्योंकि जो फाइट है वो है इधर की, यानी टीम बट 12 की, टीम कमिंग सून। और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस फाइट्स अभी के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। टीम रेवन जी स्पोर्ट्स ऑलरेडी 3 किल से लोग निकाल चुके हैं, कंपाउंड्स का भी इनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। फिक्शन गॉड एक बढ़िया मौका है यहाँ पर आए जरूर है, और सोनिक फॉक्स एक इजी किल निकाल सकते हैं क्योंकि सोनिक फॉक्स के पास बिल्कुल भी यहाँ पर कवर नहीं है। उनको जैसे ही पता लगे खिलाड़ी वहाँ पर देख लिया उन्होंने, तुरंत ही अपने आप को प्रोन करा और अब कोशिश करने की ग्रेनेड से वहाँ पर नॉकआउट निकाले जा सके। बट सामने थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि 3 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद मुझे वहाँ पर नजर आ रहे हैं। BGMI की स्क्रीन से अन्य हो, BGMI की नहीं है यहाँ पर, ये अभी ये पबजी की यार, पबजी जो ग्लोबल से खेल रहे हैं उन्हीं की यहाँ पर अभी बस चल रही है अभी के लिए। चलिए चलते हैं यहाँ पर शॉट नंबर 12 के पास, ड्रंकन कीमस के पास एक बढ़िया मौका मिला, एक ही स्प्रे से शायद यहाँ पर दूसरे को नॉकआउट करने वाले थे, लेकिन अभी के लिए फर्स्ट एड किट जो है उनके पास उसका बिल्कुल तुरंत से इस्तेमाल कर देना चाहिए उनको। सोनिक फॉक्स जो हुए हैं काफ़ी हद तक वो लिट हो चुके हैं, और यहाँ पर व्हीकल उनके पास शायद अभी मेरे ख्याल से मौजूद है तो, लेकिन टायर बस कर दिए गए हैं तो मतलब आप स्पीडली तो आप बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। फिनेटिक एश उनके जस्ट सामने, वो यहाँ पर कर सकते हैं गेट कीपिंग, और एक बढ़िया मौका है उनके पास अगेंस्ट टीम रेवेंज स्पोर्ट्स, बढ़िया यहाँ पर गेट कीपिंग करना और शायद काफ़ी हद तक वो डैमेज देने में उनको कामयाबी यहाँ पर उनको मिल जाएगी। एंड अभी के लिए वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मुझे अभी के उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। एक रोटेशन अगर मैं बात करूँ UME फाइनल बॉस की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है, व्हीकल लेके ज़रूर रहे लेकिन कहीं ना कहीं हील बैटल भी थोड़ा बहुत वो लेते हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट क्या पहुँच पाएंगे कि नहीं वो एक बड़ा सवाल है। स्लॉट नंबर 10 देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हील बैटल थोड़ा सा चलता हुआ, 5वां जोन है और मेरे ख्याल से शायद अगर यहाँ पर हील करने की बजाय फर्स्ट एड किट वगैरह अगर दे दे तो बेस्ट रहता है। ड्रंकन गेमर्स अभी भी उस रिच का जो एक बेनिफिट मिला एक काफ़ी अच्छा रहता है कि यार बहुत मुश्किल ऐसे इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इसके रिच का आपको बेनिफिट मिल जाए और वो जोन के अंदर का पार्ट हो। चलते हैं यहाँ पर टीम इनसेन के पास, इनसेन की मैं देख रहा हूँ वो भी एक गेट कीप कर रहे हैं अगेंस्ट टीम लाइव क्राफ्ट, पिछला गेम का इस अच्छा गया था लाइव क्राफ्ट का, लेट्स सी इस गेम में किस तरह का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकॉम किंग, यस एकॉम के नाम से जानी जाती है टीम अगर हम बात करूँ पुशार एक्साइज गाइस। 3 मैं बताना चाहूँगा आपको, कोशिश तो ये रहती है कि फाइट्स यहाँ पर अभी देखी जा सके, और जब एक साथ दो फाइट हो जाए तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल होता है गाइस की एक ही साथ दो दो फाइट्स आपको दिखाना। नेक्स्ट टूर्नामेंट बीच का होने वाला है, बिल्कुल होगा यार ज़रूर, क्योंकि अब इंडिया में आ रहा है तो ज़रूर होगा यहाँ पर, दिक्कत क्यों हुई मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर रणदीप करते हुए यहाँ पर एक खिलाड़ी को नॉकआउट तो बढ़ता हूँ यहाँ पर, ओके यहाँ पर जैसे उन्होंने नॉकआउट करा खुद भी हुए हैं यहाँ पर नॉकआउट, एज ऑफ द सर्कल हमें देखने को मिलते हुए, लेकिन ये जो ग्रेनेड का इंपैक्ट था वो काफ़ी फायदेमंद नजर आया। और मेरे ख्याल से टीम नंबर 24 यानी टीम पुशर एक्स ES एक बढ़िया फायदा उठा सकती है यहाँ पर इस फाइट का, और उनके जस्ट खिलाड़ी अगर मैं बात करूँ बिल्कुल पास में ही अभी के लिए हम देखे जाए, और गाड़ी लेके अब निकलना भी उनका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन UME फाइनल बॉस काफ़ी ओपन में नजर आते हुए, किल कन्फर्म मिल जाएगा कि नहीं, जी हाँ किल यहाँ पर मिल चुका है उनको, और बगी से जाना चाहिए था, फर्स्ट एड किट भी उनको लेनी देनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल समय नहीं है उनके पास। 6ठा जोन यहाँ पर अब श्रिंक होता नजर आ रहा है। बात करें पुशर एक्स AES की, वो यहाँ पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस फाइट्स, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस किल सेल वहाँ पर करना प्रेफर जरूर करना चाहेंगे। चलते हैं यहाँ पर शॉट नंबर 25 के पास, तो ये है गाइस पुशर एक्स AES का लाइनअप, और कंपाउंड के अंदर है, 3 किल्स ये निकाल चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा सा गाइस यहाँ पर मैं बात करूँ क्लिच होता वन का POV, एंड सामने है आपके टीम नंबर 14 यानी टीम आपके है X8 bit का लाइनअप, यहाँ पर 6 टीम्स यहाँ पर बची हुई आपको नजर आ रही है अभी के लिए। लाइक गोल गाइज अभी तक मैं देखना चाहता हूँ कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, मैं जरूर चेकआउट कर लेता हूँ गाइज। 100 लाइक अवे फॉर द 4000, अभी तक लाइक नहीं करा तो ज़रूर आप कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आप स्लॉट नंबर 22 की तरफ, इट IT के AOP नॉकआउट्स हुए ज़रूर थे लेकिन उनको सही वक्त में यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्लिच भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फेस कर रहा हूँ यहाँ पर। हुआ क्या भाई इधर, एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्लिच अभी भी यहाँ पर मैं फेस कर रहा हूँ।
ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन है भाई। एक मिनट रुकना गाइस, मैं एक बार चेक कर लूँ नेटवर्क ठीक है कि नहीं। नेटवर्क ठीक है बट गाइस मेरे ख्याल से कुछ ग्लिचेस यहाँ पर हो चुके हैं इस मैप में। कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि यहाँ पर सब कुछ मैं दिखा सकूँ फाइट को। गाइस मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर अब फेस कर चुका हूँ मैं। मैं एक बार रुके गाइस, जब तक यहाँ पर हो रहा है मैं एक बार रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास फिर वापस से मैं आता हूँ। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते गाइस, वापस से मैं आता हूँ यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर रहा, एंड बताना चाहूँगा यहाँ पर ग्लिच की वजह से मेरे ख्याल से शायद वो ऑटो रूम किक ही हो गया यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा भाई बड़ा ही ग्लिच मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो अभी के लिए बस गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी बस इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि जैसे यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। एक मिनट रुकेगा ज़रूर, मुझे रिजल्ट जैसे ही ओवर होगा तो गाइज अभी वेट कीजिए, मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। ये गाइज ये बहुत बड़ा बीटी हो गया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा सीनैरियो यहाँ पर, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। बट मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैच ख़त्म होगा तो मैं आपको एटलीस्ट जो मैच का रिज़ल्ट है वो आपको एटलीस्ट मैं बता सकूँ। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, बाकी बस ये ग्लिचेस अब कभी भी हो जाते हैं गाइस, ये हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और वो चीज़ होती हुई नज़र आई। तो अभी के लिए वेट कीजिएगा यहाँ पर, नेट प्रॉब्लम नहीं है गाइस, नेट प्रॉब्लम होता तो आपका स्ट्रीम भी यहाँ पर हो जाता। ये भाई बोल सकते हैं अगर ये यार ऐसे चलता रहेगा तो फिर कास्टर्स के लिए भाई मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। तो एक मिनट मैं एक बार बोल देता हूँ यहाँ पर, वीपीएन लगा, वीपीएन से नहीं होगा ब्रो, बैन हो गया तू मैं एक बार वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ एक बार रिजल्ट आ जाए ना। अरे स्क्रीनशॉट, एक मिनट रुकिए गाइस, ऐसे ही रिजल्ट आए थे मैं आपको एक बार बता देता हूँ ज़रूर, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता यार ये जो लास्ट तक वाला सीन है ना ये रहे यहाँ पर। हैंग हो गया, नो ब्रो पूरा मूड ख़राब कर दिया भाई क्या करें, डाउनलोड बीजीएमआई ब्रो, बीजीएमआई फिर हम एंटर नहीं कर पाएंगे ना। यस गाइस गेम ग्लिच हो गया, बाकी वेट कीजिए यहाँ पर रिजल्ट के लिए।
एक मिनट रुकिए जरा। बट गाइस जब तक यहाँ पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जब तक यहाँ पर रिजल्ट मेरे पास आते हैं तब तक आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, APL जूनियर 2 में। प्राइस पूल है 50,000 का, 3,000 स्लॉट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एंड जो हमारे क्या बोल रहा था मैं आपको कि जो रिज़ल्ट है मैं अभी एक बार थोड़ी देर में बता देता हूँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हम इंटर अगेन का ऑप्शन आता है। कोई बात नहीं ब्रो। हाँ नेक्स्ट गाइस अब थ्रिप स्क्रीम से आया है, अब थ्रस्ट क्या है उसमें मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके लिए भी थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक बार वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। कौन जीता एक बार बता देना वैसे अगर आप करो तो। मेरे ख्याल से गाइज अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, एक बार बता देना अगर आपको हुआ है कि नहीं। और जी हाँ गाइज अब यहाँ से मैं अब लेता हूँ यहाँ से अलविदा, मिलेंगे आपको अब कल, क्योंकि शायद जो वी आर वॉकआउट शायद मेरे ख्याल से वॉकआउट शायद या तो कोई जीती है टीम। तो अभी के लिए गाइज अब लेता हूँ अलविदा, अभी के लिए मिलता हूँ सीधा अपथ्रस की स्ट्रीम में, तो वहीं पर आपसे मुलाकात होगी एंड होपफुली वहाँ पर ये जो ग्लीचेस वगैरह है बिल्कुल भी हम फेस ना करें। एंड गाइज जो भी रिजल्ट है वो अपडेट कर दिए जाएंगे यहाँ पर इस APL स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम में, तो जाइए और ज़रूर मुझे भी फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के साथ साथ गाइस DM ज़रूर करना साथ, ताकि मैं आपको वो व्हाट्सएप जो ग्रुप लिंक है आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो आज के लिए गाइस यहाँ से बस इतना ही, मिलते हैं आपको अपथ्रस की स्ट्रीम में। सो टेक केयर, बाय बाय गाइज़।